إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار मैं आप सबका फिर इस्तकबाल करता हूँ हमारे आज के क्लास का टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे दीन की अंडरस्टैंडिंग में एक फंडामेंटल रोल अदा करता है, मतलब हमारे दीन के फैम में समझ में एक फॉर्मूला लेवल का सब्जेक्ट है। फॉर्मूला लेवल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है माजी में भी कि ये पूरे कोर्स में हमने ऐसे टॉपिक्स हमने सिलेक्ट किए हैं जो आपके दीन के समझ के लिए बहुत ही बुनियादी रोल अदा करते हैं, बहुत ही फंडामेंटल इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इस चीज के लिए ये मौजू बहुत ही अहम मौजू है, सहाबा का मकाम और उनके मनहज पर चलने की अहमियत। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये टॉपिक की शुरुआत करेंगे, डायरेक्ट शुरुआत कर रहे हैं एक पोल से। पोल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, नौ नंबर, जी स्क्रीन पे आ रहा है। सहाबा रदिलानहु अन्हुम अजमईन, सहाबा रदिलानहु अजमईन का मकाम जानना क्यों जरूरी है। नंबर वन, ये पूरा टॉपिक माजी पास्ट टेंस से ताल्लुक रखता है, पास्ट हिस्ट्री। कई लोग बोलते हैं आज का हिस्टोरिकल टॉपिक है, पास्ट टेंस हिस्ट्री। नंबर दो, नहीं, आज के हमारे दीन को बेहतर समझने के लिए, पास्ट टेंस के लिए है कि आज के दीन को बेहतर समझने के लिए। या थर्ड ऑप्शन ये भी रखा गया है, ऊपर वाले दोनों सही, जो आपको सही लगता है आप सिर्फ बताओ, ताकि आप अपने आप को चेक करें कि आप इस मौजू पर क्या चीज को सही समझते हैं और क्या सही है। वो तो आगे आने वाला है इंशाल्लाह। 5 सेकेंड आप लोगों को मिल रहे हैं, 5 4 3 2 1। एंड पोलिंग रिजल्ट्स आप लोगों के स्क्रीन पर है। जी हाँ, आप सब में से 59-70% लोगों ने ये कहा कि दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही। और 36-28% लोगों ने, 28-36% लोगों ने ये कहा कि नहीं, आज के दिन को बेहतर समझने के लिए। और मुझे बहुत ताज्जुब है, लेकिन सिर्फ 2-5% लोगों ने कहा माजी पास्ट टेंस। मैं तो समझ रहा था बहुत से लोग पास्ट टेंस का क्लिक करेंगे। और पता है आपको सही जवाब क्या है? हाँ, सही जवाब क्या है 2 मिनट में आपके सामने आ रहा है। हम इस टॉपिक पर ये देखते हैं कि माजी की जहां बात है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया सहाबा इकराम ने, तो सहाबा इकराम ने कैसे साथ दिया, हाँ ये जानना बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम है। उसी तरह दीन के लिए कुर्बानी दी, हाँ दीन के लिए कुर्बानी दी जो सहाबा इकराम ने, ये माजी को जानना कि भाई किस तरह से उन्होंने साथ दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, किस तरह से दीन पर बेहतरीन तौर पर उन्होंने अमल किया, किस तरह से उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की हिफाजत की, किस तरह से दीन को बेहतरीन तौर पर उन्होंने समझा और किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत की, किस तरह से दीन को दूर तक पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की। ये पास्ट टेंस की सारी चीजें हम जानना, सहाबा के जब हम ये सब बातें जानते हैं ना कि कैसे उन्होंने समझा, कैसे उन्होंने दीन तो को हम तक पहुंचाया, कैसे उन्होंने अमल किया, कैसे उन्होंने कुरान को समझा, क्या क्या कुर्बानियां दी, ये सब जो बात हम समझते हैं तो हमें सहाबा का मकाम पता चलता है माजी। लेकिन हमारा हाल प्रेजेंट टेंस भी इस पे बहुत कनेक्टेड है कि हमें एज एन उम्मती सहाबा की तरफ हम देखते हैं कि वो कैसे थे। देखिए कैसा होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसवा और नमूना एग्जाम्पल है। लेकिन बाज लोग क्या बोलते हैं ना, वो कहते हैं कि देखो वो तो नबी थे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे लिए उसवा है, नमूना है। लेकिन बाज लोग ये कहते हैं देखो जिब्रील उनके पास आते थे, उनका सीना चाक करके, उनके दिल को निकाल करके, धो करके वापस अंदर डाला गया था। तो बाज लोग क्या कहते हैं, हम तो इंसान हैं, हम तो गुनाह करते हैं, हम तो इंसान हैं। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए उम्मती के तौर पर किसे मिसाल बनाया है, एज एन उम्मती, एज अ फॉलोअर किसे मिसाल बनाया गया है, सहाबा इकराम को। सहाबा इकराम को मिसाल बनाया गया है एज एन उम्मती, की उम्मती कैसे होना चाहिए।
तो हम देखते हैं कि सहाबा की तरफ हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सोसाइटी में, माशरे में कैसा माशरा होना चाहिए, माशरे में कैसे हमें इस्लाम अमल करना है। तो अल्लाह ताला ने सहाबा को एग्जाम्पल बनाया हमारे लिए, हमारे लिए उसवा बनाया, नमूना बनाया, ताकि हम कोई गलत एक्सक्यूज ना दें। जैसे बाज लोग एस्केप रूट ढूंढते हैं, एस्केप रूट बचने के रास्ता ढूंढते हैं, और हकीकत में उसे अपने आप को धोखा में धोखे में डालते हैं। नुकसान किसी का नहीं होता है, उनका खुद का ही नुकसान होता है। तो उसी तरह सहाबा की कुर्बानियों को देखकर हमें एहसास होता है कि हमें भी कुर्बानियां देना है अल्लाह के लिए। उनके अमल को देखकर हमें भी एहसास होता है कि हमें भी कैसे अमल में आगे होना चाहिए। उनकी दीन के दावत के जज्बे को देखकर हमें भी एहसास होना चाहिए कि कैसे हमारे अंदर भी दीन की जज्बे, दावत का जज्बा हो। आप देखिए अलग अलग सहाबा, मिसाल के तौर पर तुफैल बिन अमर दौसी रदियल्लाहु अन्हु, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनको फिक्र होने लगी अपने कबीले के ताल्लुक से, दौस के कबीले के ताल्लुक से। जा गए दौस के कबीले को, उन्होंने बहुत दावत दी, बहुत कोशिशें की, आखिर में उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो बहुत मायूस होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। मतलब उनका फिक्र का जज्बा हम देख रहे हैं। तो ऐसे हमें भी फिक्र करना चाहिए अपने लोगों के ताल्लुक से। आप सब, हम सब जो जमा है, पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि कई जगहों से लोग जमा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देख रहा हूँ। तो हम जो जमा है तो हम भी अपने लोगों की फिक्र करें कि हम अल्लाह के दीन का पैगाम उन तक कैसे पहुंचाएं, मैं कैसे कुछ रोल प्ले कर सकता हूँ, हम कैसे उसमें जरिया बन सकते हैं। तो ये हम देखें, उसी तरह उनकी कुर्बानी, उनका अमल, उनकी दावत का जज्बा, और हमें दीन को वैसे समझना है जैसे सहाबा ने समझा। मैं यहाँ पे एक सवाल उठाने वाला हूँ, उसी तरह गुमराहियों से बचने के लिए ये एक तरह की सेफ्टी बेल्ट है, सहाबा एक सेफ्टी बेल्ट है। मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूँ, देखिए सवाल क्या है ना, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल एहसान है, बहुत लोग कुरान और हदीस की तरफ आ रहे हैं, बहुत लोगों को एहसास हो रहा है कि हमें सिर्फ बाप दादा से जो मिल गया सही मिला, कोई चीज मिसिंग मिली। देखिए बाप दादा के पास जितना इल्म था उन्होंने हम तक पहुंचाने की कोशिश की, और हम उनके लिए इसी वजह से दुआ करते हैं, उनकी कमियों के ताल्लुक से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनके साथ दरगुजर का मामला करे। लेकिन बाप दादा के दीन पे चलो, कुरान हदीस में ऐसा नहीं दिला है, हमें ये दिया है कि अतीउल्लाह व अतीउ रसूल। तो आज बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर में जो अतीउल्लाह व अतीउ रसूल की तरफ आ रहे हैं। उलमा को सबको रिस्पेक्ट करना है, जिसके पास कुरान और हदीस से प्रूफ है उनकी बात को ले लेना है, मतलब सारे सही मनहज वाले, सही ऑथेंटिक उलमा की बात कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हुए जो सही बात, जिसके पास भी प्रूफ है किसी मसले में, हमें उनकी बात को ले लेना है। लेकिन मैं आप सबके सामने अभी जो बात कह रहा हूं ना, जरा गौर से सुनिए, ये आज के टॉपिक के अंदर जो दो अहम बातें हैं उसमें से एक बड़ी बात है, वो ये बात है कि आज जहां पर लोगों को ये एहसास हो रहा है कि हमें कुरान और सुन्नत पे चलना है, मैं आपके सामने एक तीसरी बात रख रहा हूं, कुरान और सुन्नत को कैसे समझना है, कैसे समझना है। क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग अपनी अंडरस्टैंडिंग लेकर आ जाते हैं, बहुत सारी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग आ जा रही है। आज आप यूट्यूब खोल करके बैठ जाओ ना अगर, तो आपको कुरान और हदीस के ताल्लुक से क्या क्या अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, तो हमें किसकी अंडरस्टैंडिंग लेना है। तो आपके सामने बात ये रखना हो, कुरान और सुन्नत को कैसे सहाबा इकराम ने समझा, कुरान और हदीस में ये बात सिखाई गई है कि कैसे सहाबा इकराम ने समझा, हमें वैसे समझना है। मतलब अगर हम सिंसियरली कुरान और हदीस को फॉलो करें तो हम सहाबा के मनहज को भी फॉलो करेंगे। सहाबा के मनहज को फॉलो करना कुरान और हदीस को फॉलो करने में शामिल है। कुरान और सुन्नत को पे चलना है तो सहाबा के फहम, सहाबा की अंडरस्टैंडिंग, सहाबा का मनहज, सहाबा का तरीकेकार, उनकी मेथोडोलॉजी, उस पर चलना इसमें शामिल है। तो आइए मैं आपके सामने दलायल रखूं ये बात की, जो बात मैंने कही है कि कुरान और सुन्नत आला मनहज सलफ, सलफ के मनहज के मुताबिक, हुआ द सलफ, ये टॉपिक आ रहा है। सलफ यानी कि बेस्ट, जो प्रीवियस जनरेशन जो गुजरे हुए लोग हैं उन्हें सलफ कहते हैं। हम जब वर्ड सलफ यूज करते हैं मतलब इस्लाम के जो बेस्ट जनरेशन है, यानी सहाबा इकराम कैसे उन्होंने समझा, कैसे ताबईन ने समझा, जो बेस्ट जनरेशन ने जैसे समझा हम वैसे समझेंगे। तो आइए मैं आपके सामने एविडेंसेस रखूं, किस बात की दलील, क्योंकि बाज लोग इस बारे में एक हठधर्मी रखते हैं और ये कहते हैं कि नहीं कुरान और सुन्नत काफी है, हालांकि कुरान और सुन्नत में सहाबा के फहम पर चलना जरूरी है। देखिए मैं आपके सामने कुछ मिसाल ये दूंगा ना तो आपको ये बात और अच्छी तरह से समझ में आएगी। मैं अपने दलायल देने के बाद में कुछ गुमराहियों की मिसालें दूंगा ताकि आप इस बात को समझ सकें कि कितने बड़े बड़े पिटफॉल्स हैं, कितने बड़े बड़े गुमराहियां हैं जो हम में से किसी कोई भी शिकार हो सकता है वो गुमराहियों का, अगर सेफ्टी बेल्ट ना हो। सेफ्टी बेल्ट, जो वर्ड यहाँ सेफ्टी बेल्ट है ना, उस बात को समझने के लिए। तो सवाल का जवाब तो आ चुका है कि ये दोनों जवाब सही है, मतलब माजी को समझने के लिए भी सही, जानने के लिए भी, आज के हमारे दीन की समझ के लिए भी सहाबा का फहम, सहाबा की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं दलाल, सहाबा का मनहज। फर्स्ट दलील,
हाँ, दलायल में सेवन दलायल आपके सामने सामने वाले हैं, सेवन उसमें सबसे पहली दलील ये कुरान की जो आयत है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 164, अल्लाह ताला ने फरमाया लकद मन अल्लाह अलल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने मोमिनों पे एहसान किया, इस बात फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि उनमें एक रसूल भेजा जो उन्हीं में से है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह ताला ने इंसानों में एक रसूल भेजा मिन अनफुसिहिम जो उन्हीं में से है, सबसे आला इंसान अफजलुल बशर, लेकिन मिन अनफुसिहिम उन्हीं में से, ये बात समझने की है, लेकिन आगे की बात देखते हैं, हमारा आज का टॉपिक आगे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से चार बातें दी गई हैं, यतलु अलैहिम आयाती, फर्स्ट चीज कि नबी अल्लाह की आयतें उन्हें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं, वह युज़क्कीहिम उनकी तज़किया करते हैं, उन्हें पाक करते हैं, जो तज़किया करते हैं तो किसकी तज़किया करते हैं, जो तज़किया करते हैं अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तज़किया किया किसकी तज़किया की, किसकी की, सहाबा की, तो सहाबा की तज़किया की यहां पे ये बात मिल रही है, वह युअल्लिमुहुमुल किताब और उन्हें किताब सिखाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब सिखाया। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूबहू बराहे रास्त डायरेक्टली बगैर किसी वास्ते के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा समझा, क्या आपको नहीं लगता कि उनका मकाम है, युअल्लिमुहुमुल किताब, जो ये थर्ड जो दिया गया ना, ये गौर करें, युअल्लिमुहुमुल किताब, किताब सिखाते हैं। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें किताब सिखाया, टीच किया। क्या आपको पता है सहाबा कई बार सवाल पूछते और उनका जवाब अल्लाह ताला वही के जरिए भेजता, कुरान में ऐसी आयतें मौजूद है, यसअलूनका, वो लोग आपसे पूछते हैं, इनमें कई बार सहाबा के सवाल भी आते थे कि सहाबा के सवालों के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने जवाब भेजा। कई बार ऐसा होता कि कोई चीज सहाबा को समझ में आने में मुश्किल होती, कुछ डाउट होता, कोई डिफिकल्टी होती, तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल की उनके सवालात के जवाब में। कई बार ऐसा होता कि सहाबा से कोई मिस्टेक हो रही होती, गलती होती, उनकी गलती को सुधारने के लिए कोई वही नाजिल होती। ऐसा भी हुआ, जैसे मिसाल के तौर पे उमर रदिल्लाहु के साथ ऐसा हुआ कि कुछ मसाइल में उनका कोई जजमेंट था, उनकी कोई कोई उनका उनका कोई पर्सनल इज्तिहाद था, और उसके कंफर्मेशन में भी आयत नाजिल हुई। तो हम देखते हैं कि सहाबा का वो मकाम है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्टली कुरान सीखा, और कुरान कोई ऐसी बुक नहीं है जो जैसे टेक्स्ट बुक के तौर पे आ गई, ये 23 ईयर्स के पीरियड में अल्लाह ताला ने वक्त और हालात के एतबार से बाज बाज आयतों को भेजा, और जैसे कि कुरान में आ चुका है कि अल्लाह ताला ने कुरान को आहिस्ता आहिस्ता इसलिए नाजिल किया ताकि आपके दिल को मजबूती मिले, ताकि उतने वक्त में ग्रेजुअली जब कुरान आया तो बहुत मजबूती से दिलों में जाकर बस गया, उन्होंने अंडरस्टैंड किया, उस पर लिव किया, उन्होंने उस पर जिया, जिए उन्होंने उस मुताबिक, कुरान पर जीने का उन्हें तजुर्बा मिला, और यु अल्लिमुहुमुल किताब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें किताब सिखाई, सहाबा को, आप नहीं थे ना वहां पे। हाँ, जैसे मैं देख रहा हूँ मुस्तकीम कुरैशी आप जरा हाथ उठाए हैं, तो आप जरा उठाइए, परवेज अली आप दोनों बताइए कि यहाँ पे मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, म्यूट करिए जी, दो भाइयों को मैंने लिया जी, ये बताइए परवेज भाई कि यु अल्लिमुहुमुल किताब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब सिखाया, तो आप वहां थे, आप नहीं, नहीं थे, तो कौन थे, सहाबा सहाबा इकराम, इकराम थे, तो किसे सिखाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया। अच्छा, और हम लोग फिर कहां से पिक्चर में फिट होंगे, हम सहाबा से सीखेंगे, सहाबा से सुनेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे एक्सप्लेन किया, हम उनसे सुनेंगे, तो हम कैसे इस्तेफादा करेंगे अगर हम सहाबा के मकाम और मनहज को नहीं पहचानेंगे। जैसे बाज लोग बोलते हैं कुरान और सुन्नत काफी, बस कुरान और सुन्ना, ये आयत नहीं पढ़ते हैं, युअल्लिमुहुमुल किताब, ये कुरान में चार जगहों पर है, युअल्लिमुहुमुल किताब, तो यहाँ पे आंसर क्या है कि सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, और हम उनकी तरफ अगर देखना छोड़ दें तो हम दीन की बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग से महरूम हो जाएं, क्योंकि दीन का हिस्सा हम देखते हैं कि कुरान में भी है, हदीस में भी, देखिए अल्लाह चाहता ना तो अल्लाह ताला, जैसे कुरान एक किताब के फॉर्म में आया है ना, मतलब वही के फॉर्म में आया और पूरी किताब, पूरी आयतें जमा हुई, अल्लाह ताला चाहता तो ऐसे ही एक और किताब हदीस की जमा नाजिल हो जाती, और ऐसे ही किताब सहाबा का फहम करके नाजिल हो जाती, लेकिन यही तो इम्तिहान है, आजमाइश है कि हमें फॉलो करना है, और ये बेहतर है इंसानों के लिए, अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते, अल्लाह ताला ने जो रखा है मामला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया सहाबा इकराम को, और हमें सहाबा के फहम की तरफ देखना है, तो
तो हम सिर्फ उनकी तरफ उनके स्टेटमेंट्स को नहीं ले रहे, उनकी अंडरस्टैंडिंग को भी ले रहे हैं कि उन्होंने कुरान कैसे समझा, उन्होंने कैसे समझा, उनके टीचर कोई और नहीं थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो ये युअल्ली मुहम्मद किताब, और इसके बाद में ये है वल हिकमा। यस ब्रदर मुस्तकीम, वल हिकमा और सिस्टर नुजरत नाज, ये हिकमा का मतलब क्या है, कौन बताएगा? हिकमा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिकमा? जी वल हिकमा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया किताब यानी कुरान, और हिकमत सिखाया। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा का मतलब युअल्लिमुहुमुल हिकमा, उन्हें हिकमत सिखाई। हिकमत का मतलब क्या है, क्या आपको पता है? कौन बताएगा? जी हिकमा, हिकमा का मतलब क्या है बताइए, इजी वर्ड है। हिकमत का मतलब विजडम, हिकमत का मतलब क्या है? विजडम। लेकिन विजडम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत सिखाया, तो आप सब हम सब को ये बात जानना चाहिए कि हिकमत के अंदर व्हाट इज द मीनिंग। अल हिकमा इमाम इब्न कसीर कहते हैं अल हिकमा अस सुन्ना, हिकमत का मतलब है अस सुन्ना, सुन्नत मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत सिखाई। हिकमत सिखाया का मतलब सुन्नत सिखाया, हिकमत का मतलब हकीमाना रास्ता, विजडम वाला रास्ता, यानी 100 रास्तों में से जो हिकमत वाला रास्ता यानी सुन्नत वाला रास्ता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया? सुन्नत सिखाया। हाँ, तो हम ये बात देख रहे हैं यहाँ पे इस आयत में आती है, ये 7 प्रूफ में से पहला प्रूफ हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड प्रूफ। अब ये आयत देखिए, अल्लाहु अकबर। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज जो मुसलमानों में इतना इख्तलाफ है ना, वो इख्तलाफ का आंसर इस हदीस, इस आयत में है। मैं देखना चाहता हूं कि आप सब में से किसे जवाब क्लिक होता है। तो मैं जनरल हाथ उठाने वालों का हाथ प्लीज अभी डाउन कर रहा हूं। अभी जो हाथ उठाएंगे वो वही उठाएंगे जो सवाल सुनेंगे और सवाल का जवाब देंगे इंशाल्लाह। सवाल सुनिए पहले। अल्लाह ताला ने फरमाया फइन आमनु, अगर वो लोग ईमान ले आए, वो लोग ईमान ले आए, आमनु प्लूरल है, वो लोग ईमान ले आए, बिमिथली मा आमनतुम बिही, जैसा तुम लोगों ने ईमान लाया। आमनता नहीं, आमनता मतलब जैसा आपने ईमान लाया, सिंगुलर का सिगा नहीं है। आमनता नहीं है, जैसा आपने ईमान लाया नहीं, आमनतुम बिही, जैसा तुम लोगों ने ईमान लाया, तुम। हाँ, सवाल मेरा नहीं आया है, ये सवाल से पहले का सवाल है। सिस्टर आसिया और ब्रदर एहसान, दो लोगों को मैं मौका दे रहा हूं। और यहाँ पे जी ये बताइए, आमन तुम भी से कौन मुराद है? जैसा आमन तुम भी, तुम लोगों ने ईमान लाया है, आमन तुम से कौन मुराद है? यस ब्रदर जाकिर, सहाबा इकराम। आमन तुम सहाबा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन बताएगा बताइए? सहाबा। सहाबा क्यों, कैसे मालूम पड़ा सहाबा है इसमें मुराद, कौन बताएगा? आमन तुम में मुराद सहाबा है, कौन बताएगा कैसे मालूम पड़ा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ में आमन तुम में सहाबा भी शामिल है इसमें। बिमिसली मा आमन तुम बिही, मा आमन तुम बिही, क्या है इसकी वजह, प्रूफ क्या है इसका? हमारे यहाँ पे जो भाई बैठे हैं उन्होंने कहा, जवाब दिया है प्लूरल का सीखा है, प्लूरल है आमन तुम बिही। आमन तुम बिही का मतलब है कि जैसा तुम लोगों ने ईमान लाया है, अल्लाह ताला ने आमन तुम कहा, तो अल्लाह ताला ने सारों को इसमें शामिल किया है कि आप लोगों ने, तुम लोगों ने जैसे ईमान लाया ना, अगर वो लोग ईमान लाए जैसा तुम लोगों ने ईमान लाया, फकती तो हिदायत में, मतलब वो लोग जैसा तुम लोगों ने ईमान लाया है ना, तो वो हिदायत पर है। तो किसके ईमान को स्टैंडर्ड ईमान बनाया गया है? सहाबा के ईमान को, सहाबा का ईमान स्टैंडर्ड ईमान बताया गया है। मतलब एक होता है ना स्टैंडर्ड, गोल्डन स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है सहाबा का ईमान, स्टैंडर्ड ईमान है। जैसा तुम लोगों ने ईमान लाया वैसा ईमान लाएंगे तो वो हिदायत पर है। तो मतलब यहां पर सहाबा को, एक सहाबा के ईमान को स्टैंडर्ड ईमान के तौर पर पेश किया गया। तो मतलब हमें अपने ईमान को चेक करना चाहिए सहाबा के ईमान से, कि सहाबा का ईमान किस चीज पे था। क्या सहाबा ये मानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से क्या मानते थे, क्या चीजें? जब जैसे मिसाल के तौर पे सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया, बरी किया, क्या सोच के दफन किया? जिंदा सोच के दफन किया कि हमारे नबी जिंदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जीते जी हम दफन कर देंगे, नऊज़ु बिल्लाह, क्या सोच के दफन किया? अबू बकर दिलाव ने कहा कि सही बुखारी में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अबू बकर दिलाव ने कहा कि मैं याबुदा मोहम्मद, अगर कोई मोहम्मद की इबादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता हो तो वो जान ले, फइन्ना मोहम्मदन कद मात, यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। वमन याबुदुल्लाह, और कोई अल्लाह की इबादत करता हो वो भी जान ले, फहुवा हय्युल ला यमूत, अल्लाह जिंदा है कभी नहीं मरेगा। सही बुखारी की हदीस है।
तो हम क्या देखते हैं, सहाबा का ईमान स्टैंडर्ड ईमान, फिर नामनो अगर वो लोग ईमान लाए बेमिसली मामन तुम भी, जैसा तुम लोगों ने ईमान लाया है फकदी तदाओ, तो वो हिदायत पर है। सहाबा क्या करते थे, अपने सारे मसाइल किसकी तरफ रिफर करते थे, अल्लाह की किताब की तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ, और जो इल्म वाले हैं उनकी तरफ रिफर करते थे। तो हम देखते हैं कि सहाबा ने फाइनल जजमेंट के लिए किसे लिया, कुरान और सुन्नत, फाइनल जजमेंट कुरान और सुन्नत, जिसके पास हम देखते हैं कि सहाबा के अंदर ये जो मनहज था, जो तरीकेकार था, हर एतबार से आपको हर एतबार से सहाबा का ईमान स्टैंडर्ड ईमान मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर वो लोग ईमान लाए जैसा तुम लोगों ने ईमान लाया फकद ही तदो। अब मैं सवाल की तरफ पहुंच रहा हूँ, बहुत बड़ा पॉइंट है, बिल्कुल समझ लीजिए ना, कि अगर आपने ये पॉइंट समझाना, तो मैंने जब ये पॉइंट फर्स्ट टाइम समझा था ना, मैं बोला था वाओ क्या पॉइंट है, हाँ इतना बेहतरीन पॉइंट है। आगे देखिए, वइन तवल्लो, अगर वो लोग पलट गए, वो लोग पलट गए, फइन्नमा हुम फी शिकाक, तो फिर वो शिकाक में है, इख्तलाफ में है। अगर वो पलट गए, किस चीज से पलट गए, सहाबा के मनहज की तरफ से पलट गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहां पे क्या है, मा अमंतुम बिही, जैसा तुम लोगों ने ईमान लाया है तो हिदायत पर है। अभी सहाबा के मनहज से जो तवल्लो पलट गए, फइन्नमा हुम फी शिकाक, तो वो लोग इख्तलाफ में है, फसयक्फी का हमुल्ला, अल्लाह ताला ही उनके लिए काफी है, वह हुआ समीउल अलीम, अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है, अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। मैं कह रहा हूं आज जो मुसलमानों के इतने सारे इख्तलाफ है ना, इसका जवाब इस आयत में मौजूद है, आप में से कौन बताएगा, ये आयत में हमारे आज के इख्तलाफ का जवाब मौजूद है। और आज के इख्तलाफ हल करना है ना हमें, तो हमें वो चीज की तरफ करना होगा, एक लाइन में जवाब देना है, तीन लाइन नहीं लगानी। मैं तीन चार लोगों को अनम्यूट ऑप्शन दिया हूँ यहाँ पे, जेंट्स में, इंग्लिश में भी और रोमन में भी, तीन चार लोगों को मौका मिला है, यस, एक लाइन से ज्यादा लाइन नहीं बोलनी है। क्या है वो, ब्रदर दानिश बोलिए। वेरी गुड माशाल्लाह, कहाँ दिया इस आयत में सहाबा के मनज को अपनाया, बिमिस्लिमा आमन तुम भी, सहाबा के मनज पे चलेंगे तो इख्तलाफ खत्म होगा। यहाँ क्या दिया, कहाँ दिया है, जजाकल्लाह खैर ब्रदर, आपने म्यूट करिए ब्रदर दानिश जी, कोई बात नहीं, और म्यूट ऑन करिए, म्यूट ऑन, यस, जस्ट वन मिनट, अजीब सा मामला हो गया। ओके, तो कौन और बता रहा है जी, खास ख्याल रखें आपके बैकग्राउंड में आवाजें ना रहे, फोन अनम्यूट ना रह जाए, हालांकि हम लोग बहुत सारे मेजर्स अपनाए हुए हैं ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, फिर भी मिसाल के तौर पे ये दो लोग हैं, अब ये साहब कह रहे हैं कि मेरी बात सही, ये साहब कह रहे हैं मेरी बात सही, और आपको पता है कि गुमराह फिरके भी ना आयतों को तोड़ मरोड़ करके अपने फेवर में कोट करते हैं, आयतों को कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके, लफ्ज लेकर माने छोड़कर, मीनिंग अपनी ही फिट करके कुरान की आयतें कई बार कोट करते हैं, लेकिन कहां पे जाकर अटक जाते हैं आपको पता है, जहां पे बात ये पाबंद किया जाए कि सहाबा से का क्या समफहम था, इस टॉपिक पे सहाबा की क्या अंडरस्टैंडिंग थी, वहां जाके अटक जाते हैं। तो हमें कुरान और सुन्नत दोनों लेना है सहाबा के फहम पर, अगर नहीं लेंगे फइन तवल्लो का माना हम लोग करेंगे, अगर हम पलट जाएंगे इस चीज से فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، تو پھر وہ اختلافات میں ہیں، اختلافات سے بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ہمیں ویسے ہی ایمان لانا ہوگا جیسے صحابہ نے ایمان لایا۔ میں آپ سب برادرز اینڈ سسٹرز سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آج الحمدللہ ایک اویئرنیس بڑھ رہی ہے، ہمیں اویئرنیس کو آگے اور کمپلیشن کی طرف لے جانا ہے، مطلب کوئی انسان ہے جو تھوڑا اویئر ہے، مطلب اس کو باتیں پتا چل رہی ہے، آہا مجھے بات توحید سمجھ میں آئی، الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے، توحید سمجھ میں آیا، आपको सुन्नत और बिदत का टॉपिक समझ में आया बहुत खुशी की बात है, आपको टॉपिक समझ में आया, आपको उलमा की पैरवी का टॉपिक समझ में आया बहुत खुशी की बात है समझ में आया, लेकिन अगर आपको सहाबा के मनहज पर चलने का टॉपिक नहीं समझ में आया ना, तो एक इतना बड़ा रास्ता खुला हुआ है कि आप वो टॉपिक की वजह से गुमराह हो सकते हैं, अगर ये ना होल्ड ऑन करें कुरान और सुन्नत एज पर द मनहज ऑफ द सहाबा और सलफ। सलफ ने कैसे समझा, क्योंकि सहाबा ने ताबईन को सिखाया, वो खैरुल कुरून है। तो मैंने आपको कहा मैं आपके साथ सामने सात दलाइल रखने वाला, फर्स्ट दलील आ चुकी है, यू अल्लिमुहुमुल किताब, किताब सिखाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें,
अल्लाह के रसूल ने उनको सिखाया, तो वो लोगों ने कैसे समझा, क्या समझा, वो हम छोड़ देंगे। अगर हम वो लॉस्ट अगर वो छोड़ देंगे तो हम टीचिंग का बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ देंगे। हम कुरान और हदीस की टीचिंग जो है, जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए भेजा, तो जो वही के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातें पता चली, वो जो बातें उन्होंने सिखाया, युअल्लिमुहुमुल किताब, हम उसमें से बहुत बड़ी चीज छोड़ देंगे अगर हम सहाबा को छोड़ दें। तो आप वो गुमराही में मत पढ़ना मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो गुमराही में नहीं पढ़ना है कि हम ये कहें सहाबा नहीं चाहिए। मतलब बाज लोग ये बोल रहे हैं कुरान और सुन्नत, अरे काश के वो समझ सकते कि कुरान और सुन्नत में मौजूद है मा आमन तुम भी। मैं 10 times रिपीट कर रहा हूं तो आपके माइंड में जाके बात बैठ जाए कि अल्लाह ताला ने सहाबा के ईमान को स्टैंडर्ड ईमान बनाया है, उनको एग्जाम्पल बनाया, उनको रोल मॉडल बनाया, उनके ईमान को स्टैंडर्ड ईमान के तौर पर हमारे सामने रखा है। जैसे ये लोगों ने ईमान लाया, तुम लोग भी ऐसे ईमान लाना, तुम भी ऐसे ईमान लाना। ओके, इंशाल्लाह। अब मैं आपके सामने एक तीसरी दलील रखना चाहता हूँ, ये मेरी बहुत ही फेवरेट दलील है, सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 115। हो सके इसको याद करो, बहुत ही बड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल आयत है, इसमें बहुत बेहतरीन बात दी गई है। सूरह 4 आयत नंबर 115 याद रहेगा इंशाल्लाह, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 115। वो मैं युशाकिक रसूल, गौर से सुनिए, बेहतरीन पॉइंट आने वाला है, आप ध्यान देंगे तो मिलेगा। अल्लाह जिसको हिदायत देता है उसी को सब चीजें मिल पाती है। हम बहुत दिल से चाहें कि काश मिल जाए, लेकिन हम नहीं दे सकते हैं जब तक अल्लाह ना चाहे, और अल्लाह उसे देगा। यहदी इलैही मन अनाब, जिसका दिल अल्लाह की तरफ मायल होता है अल्लाह उसे हिदायत देता है। तो आप दिली तौर पे हिदायत तलब करें, आप ये तलब करें अल्लाह मुझे सिर्फ सही रास्ता चाहिए, जिंदगी भर के लिए चाहिए। गौर से पढ़िए, वमन युशाकिक रसूल, जो रसूल की मुखालिफत करते हैं, गौर से सुनिए, जो रसूल की मुखालिफत करते हैं, जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमांड के खिलाफ जाते हैं, आगे पढ़िए, मिन बादी मा तबय्यन लहुल हुदा, हक वाज़ेह होने के बाद भी, मतलब हक बात क्लियर हो गई फिर भी उसके बाद भी मुखालिफत कर रहे हैं, मतलब क्लियर होना अल्लाह ताला ने शर्त के तौर पे पेश किया है कि जो रसूल की मुखालिफत करे हक वाज़ेह होने के बाद भी। हक वाज़ेह होना जरूरी है, हक को क्लियर होना जरूरी है, द ट्रुथ शुड बिकम क्लियर अपॉन अ पर्सन, फिर अल्लाह ताला के नजदीक वो समझने के बावजूद ना माने तो वो पकड़ाया जाएगा। तो मैं युशाकिक रसूल, रसूल की मुखालफत करे हक वाज़ेह होने के बाद भी, लेकिन मैं जो बात बोलना चाहता हूँ इसके आगे आ रही है, वयतबे गैर सबीलिल मोमिनीन, मोमिनों का रास्ता छोड़कर और रास्ते अपनाए। मतलब तीन चीजें जिक्र है, जो रसूल की मुखालफत करे हक वाज़ेह होने के बाद भी, और मोमिनों का रास्ता छोड़कर और रास्ता अपनाए। हक वाज़ेह होने के बाद तो कंडीशन है, तो हम दो चीजें हैं बुनियादी, कि जो नबी की मुखालफत करे और मोमिनों का रास्ता छोड़ दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नुवल्ली मा तवल्ला, हम उसे उसी रास्ते पर पलटा देंगे जो उस जिस रास्ते पे वो पलटा, मतलब जो रास्ते पे वो पलटा, अल्लाह ने कहा मैं उसे उस रास्ते पे पलटाऊंगा। मतलब गौर से सुनिए, बहुत अहम बात है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन समझने के लिए एक नसीहत की बात है। वह नुस्ली जहन्नम वसात मसीरा, अल्लाह ने कहा हम उसे पहुंचा देंगे जहन्नम, और बहुत बुरा ठिकाना है वो। मतलब क्या है ना कि अगर कोई इंसान समझते हुए हक वाज़ेह होने के बाद भी बोलता है हक क्लियर है ना, मैं यही रास्ते पे चलूंगा, तो अल्लाह ताला ने कहा उसकी सजाओं में से ये भी सजा है कि वो रास्ता जो वो चुन रहा है गलत रास्ता, नुवल्ली मा तवल्ला, हम उसे उस रास्ते पर पलटाएंगे जो रास्ता उसने चुना, जो रास्ता उसने चुना गलत रास्ता, अल्लाह ताला ने कहा मैं उसे पलटाऊंगा। मतलब उसकी सजाओं में से ये सजा है कि तुमने हिदायत देखकर समझकर मानने से इनकार किया, तुमने सही रास्ता देखकर समझकर कबूल करने से इनकार किया, तुमने गलत रास्ता चूज किया ना, तुम्हें वही रास्ता अच्छा लगने लगेगा। ऐसा होता है रियल मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब हम दीन की दावत देते हैं ना, तो कोई इंसान हक बात देखकर समझकर मानने से अगर क्लियरली इनकार कर देना, तो उसे डरना चाहिए कि उसके साथ ऐसा ना हो जाए कि उसे फिर वो सही बात दिखाई ना दे। सुम्मम बुक्मन उम्यन फहुम ला यरजिऊन, कि वो बहरे गूंगे अंधे वो लोग वापस नहीं आएंगे। तो ऐसा हो जाता है कि वो लोगों को वो गलत रास्ता अच्छे लगने लगता है, ये उनकी सजाओं में से सजा है। लेकिन ये हमारा टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन नहीं था, मेरा सवाल कुछ और है। आगे बढ़ता हूं, मैं जो पॉइंट बताना चाहता हूं ना उसके लिए एक पोल लेते हैं, ताकि मैं देखना चाहता हूं कि आप सही बात समझ रहे हैं कि कहीं और है। सवाल ये है, आयत पढ़े ना आपने, आयत पढ़े, अब जवाब दीजिए, आयत पढ़े ना, फिर से पढ़ो, रुकिए आप, अच्छा चलो रुक जाओ, बंद कर दीजिए ऊपर, फिर से पढ़ लीजिए एक बार, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग सही जवाब दें, इसलिए मैं आपको फिर से पढ़ने का मौका दे रहा हूं। अल्लाह ताला ने क्या कहा, जो नबी की मुखालफत करते हैं हक वाज़ेह होने के बाद भी, मोमिनों का रास्ता छोड़कर और रास्ते अपनाते हैं, तो अल्लाह ने कहा हम उन्हें उसी रास्ते पर छोड़ देंगे जो उसने चुना, बहुत पहुंचा देंगे जहन्नम, और बहुत बुरा ठिकाना है। सवाल मेरा ये है, लेट्स सी कितने लोग सही जवाब देते हैं। सवाल ये है कि मोमिनों का एक रास्ता है कि बहुत सारे रास्ते हैं? हाँ, मोमिनों का एक रास्ता है
के बहुत सारे रास्ते हैं। तो पोल आपकी स्क्रीन पर है, फर्स्ट ऑप्शन बहुत सारे रास्ते हैं मोमिनों का, सेकेंड ऑप्शन एक ही रास्ता है। देखते हैं क्या जवाब आता है। 5 सेकेंड है, 5। अरे वोट करिए सब भाई बहने, वोट कर लिया करें, इसलिए करें कि आपको मालूम पड़ेगा कि मुझे सही बात समझ में आ रही थी कि गलत। कोई बात नहीं, गलत से मिस्टेक हो, क्लास में करेक्शन हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइन्टी फोर से 95% लोगों ने जो जवाब दिया एक ही रास्ता, ये जवाब, सॉरी मैं रिजल्ट्स के शेयर किया हूं, 94 से 95% लोगों ने जवाब दिया एक ही रास्ता। और ये जवाब हकीकत में कैसा है पता है आपको? सही जवाब है, हाँ, एक ही रास्ता सही जवाब है। क्यों? आप देखिए यहां पर के पीछे आते हैं हम लोग। अरबिक में सबीलिल मोमिनीन, सबील रास्ता, यूसुफ फवाज जिन्होंने हाथ उठाया, नुजरत नाज और दो लोगों को मैं मौका दे रहा हूं। ये बताइए सबील का मतलब है रास्ता अरबिक में, और शाबाज तीनों, सुबुल रास्ते। ये रास्ते पर सबसे पहले कौन से मोमिन गए? सबील सिंगुलर है, सबीलिल मोमिनीन मोमिनों का रास्ता दिया हुआ है, मोमिनों के रास्ते नहीं दिया हुआ है, सुबुलिल मोमिनीन नहीं दिया हुआ है, सुबुल यानी रास्ते, मोमिनों का रास्ता। देख रहे हैं आप ये यहां पे सबीलिल मोमिनीन सेकंड लाइन में, सबीलिल मोमिनीन मोमिनों का रास्ता, मोमिनों का रास्ता। ये रास्ते पे सबसे पहले कौन से मोमिन गए थे? सबसे पहले कौन से मोमिन गए थे? कौन गए थे? सहाबा इकराम। जी जी सहाबा। उनके बाद उस रास्ते पे कौन गए थे? ताबईन का अलग रास्ता था। ताबईन, ताबईन। आंसर का सवाल का जवाब, ताबईन का रास्ता अलग था? नहीं वही रास्ता, सेम था, एक ही था, एक ही था। तभी ताबईन का रास्ता अलग था कि एक ही था? एक ही था ताबईन का। सारे फिक्र के इमामों का वो ही रास्ता था या दूसरे रास्ते पे थे? सबीलिल मोमिनीन एक ही रास्ता, उनका भी सेम रास्ता था। तो आपका और मेरा रास्ता वही होना चाहिए? नहीं, एक ही होना चाहिए। मतलब हम सब का रास्ता, सारे ईमान वालों का रास्ता, सारे उलमा इकराम का रास्ता, सारे मुसलमानों का रास्ता, इंडियन हो, अमेरिकन हो, गल्फ के हो, कहीं के भी हो, सबका रास्ता सबीलिल मोमिनीन, मोमिनों का रास्ता, वो एक ही रास्ता है। और वो रास्ते पर सबसे आगे सहाबा इकराम है, सबीलिल मोमिनीन में सबसे आगे सहाबा इकराम है, उसी रास्ते पे ताबईन, उसी रास्ते पे तबे ताबईन, फुकहा, हदीस के इमाम, सबके सब स्कॉलर, सारे जमाने और दौर के मुसलमान। 1400 साल बाद हम भी उसी रास्ते पे चलेंगे कि हमारा अलग रास्ता होगा? सेम रास्ता होगा हमारा, सेम रास्ता। जज़ाक खैर, आपने साथ दिया मेरा। तो यहाँ पॉइंट क्या है ना मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सबीलिल मोमिनीन है ना, बहुत बड़ी दलील है। मतलब अल्लाह ताला ने क्या कहा, जो नबी की मुखालिफत करे और मोमिनों का रास्ता छोड़ देना जानने के बावजूद, तो अल्लाह ताला का सजा उनकी ये है कि अल्लाह उन्हें उसी रास्ते पे पलटा देंगे जो उन्होंने चुना, और बहुत बुरा ठिकाना है, जो जहन्नम में पहुंचा दिया जाएगा, बहुत बुरा ठिकाना है। तो मतलब यहाँ पे दलील है, मतलब अभी दलीलों का अगर हम रिविजन कर रहे हैं तो मैं आपके सामने तीन दलाल रख चुका हूँ। फर्स्ट दलील, सारी वो आयतें जिसमें युअल्लिमुहुमुल किताब का जिक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब सिखाया, फर्स्ट। सेकंड, फइन आमनू बिमिथ्ली मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ, अगर वो लोग ईमान ले आए जैसा तुम लोगों ने ईमान ले आया, तो आमनतुम है, आमनतुम, आमनतुम प्लूरल, आमनतुम। तो ये क्या है, सहाबा की तरफ अल्लाह ताला ने देखने कहा कि ये लोगों का ईमान कैसा है ना, अगर तुम लोग वैसा ईमान ले आए तो हिदायत पर है, और अगर वैसा नहीं लाए तवल्लो पलट गए तो शिकाक में हो तुम लोग, इख्तिलाफ में पड़े रहोगे। पढ़े हैं हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि हम लोग सहाबा की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम लोग कुरान और सुन्नत से ही दूर है। कुरान और सुन्नत एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सहाबा, लेकिन कुरान और सुन्नत ही ना हो तो क्या करेंगे हम? कुरान और सुन्नत सहाबा और सलफ के फरमान मनहज के मुताबिक। थर्ड दलील सबीलिल मोमिनीन, 7 दलाइल में से थर्ड दलील सबीलिल मोमिनीन, मोमिनों का रास्ता। इंशाल्लाह याद रहेगा आप लोग, क्यों मालूम है आपको, हम लोग
आज अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। किस चीज की अवेयरनेस? के लोग ताकि कुरान और सुन्नत पर लौटे। कुरान और सुन्नत पर लौट करके ना लोग अपनी तरफ से जिम्नास्टिक्स भी स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब खोल के देख लो, बड़े बड़े जिम्नास्ट इन द नेम ऑफ इस्लाम, अल्लाह अकबर, अल्लाह पनाह, अल्लाह की पनाह, इन द नेम ऑफ इस्लाम कई सी चीजें चल रही। मैं आपको दो मिसालें आगे देने वाला हूं, जस्ट मिसाल। दिल तो चाह रहा अभी बता दूं, लेकिन चलिए सात दलाल देखने के बाद बताऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, तो हम आगे देख बढ़ते हैं। फोर्थ दलील, चौथी दलील, हमें जिस रास्ते पे चलना है सलफ। व्हाट इज सलफ? सलफ यानी पहले के लोग, खलफ यानी बाद की नस्लें, खलफ बाद वाले, सलफ पहले वाले। हाँ, और सलफ के अंदर हम देखते हैं कौन है सलफ के अंदर। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु उम्मती करनी, मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना जो 11 हिजरी में खत्म हुआ। ثم الذين يلونهم, फिर उन लोगों का जो इसके बाद आएंगे, मतलब इनके बाद, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद जो थे सहाबा इकराम का जमाना, जो लास्ट सहाबी अनस रदिल्लाहु अन्हु 93 हिजरी में इंतकाल हुआ, तो 93 हिजरी तक ये ثم الذين يلونهم, फिर उन लोगों का जो उसके बाद है। तो हम देखते हैं ताबईन का जमाना, जो लास्ट ताबई तकरीबन 180 हिजरी में जो इंतकाल हुआ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बेहतरीन जमानों का जिक्र किया। मतलब सबके सब सेम नहीं है, जैसे बाज लोग कहते हैं ना कि वो रिजाल थे और हम भी रिजाल है, वो भी लोग थे हम भी लोग हैं। देखिए बात समझिए मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस्लाम से हमने आज तक क्या समझा? मैं चाहता हूं नए लोगों को मौका दूं, तो मैं अभी मौका दे रहा हूं यहां पर नीचे से थोड़ा। मिदरार सफा, मुबीना देसाई, आबिद अहमद, ये तीन लोगों को मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया। आप लोग बताइए, आप लोग इस्लाम स्टडी कर रहे हैं, आप लोग माशाल्लाह क्लास में आ रहे भाई, और वन प्लस को भी मैं मौका दे रहा हूँ, और आयशा बिन तय्यूब को भी दिया हूँ, जरा आप लोग अनम्यूट करें ताकि मैं बात कर सकूँ। आप इस्लाम फॉलो करते हैं, अब ये बताइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आज तक इस्लाम में आपको क्या समझ में आया कि खानदान नसब जो होता है ना, किसी के बाप दादा बहुत अच्छे हैं पहुंचे हुए हैं तो बेटे को फायदा होगा, बाप दादा की वजह से बेटा बच जाएगा आखिरत में कि नहीं? नहीं। हाँ, और बहुत पहुंचे हुए थे तो बेटा बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं बचेगा। बचेगा तो कैसे बचेगा? बचने का क्या तरीका है? अगर बेटे को बचना है, बचने का क्या तरीका है? अगर बाप दादा नहीं होंगे तो क्या काम आएगा? दीन, खुद का ईमान, खुद का अमल। सही जी। अभी बाज लोग क्या समझते हैं ना, बाज लोग ये समझते हैं कि सहाबा है ना, वो लोग जमाने में पैदा हो गए, वो जमाने में, हम लोग अभी पैदा हुए ना, हम भी तभी पैदा हो जाते ना, हम भी सहाबा बन जाते थे। लेकिन फैक्ट क्या मालूम है, सहाबा को मकाम बस तभी पैदा होने की वजह से नहीं मिला। जैसे मिसाल के तौर पे एक नबी का नाम बताइए जिनके बेटे ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, कौन बताएगा? हाँ, हमारे भाई जो यहाँ बैठे हैं मेरे असिस्ट कर रहे हैं शाहिद भाई, उन्होंने जवाब दिया है नूह अलैहिस्सलाम। हाँ, नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने इस्लाम कबूल नहीं किया, मतलब पूर्वज नहीं, मतलब के भाई नस्ल में आगे जाकर मेरे परदादा नूह थे, वो उनकी बात नहीं हो रही है, बेटा, डायरेक्ट बेटा भी बाप नबी है लेकिन बेटे को नहीं बचा सका। अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नहु लैसा मिन अहमिन अहलिक, वो तुम्हारे अहल में से, खानदान में से नहीं है, मतलब वो उसका अमल नेक नहीं है, वो अच्छा नहीं था। तो हम देखते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम का नबी का बेटा होकर भी उसको फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका खुद का ईमान नहीं था ना, खुद का अमल नहीं था तो फायदा नहीं हुआ। अब सहाबा के ताल्लुक से मेरे भाई मेरी बहनें, क्या आपको पता है कि उनका इतना मकाम है? उनका मकाम इसलिए है ना कि उन्होंने वो टेस्ट पास किए, उन्होंने इम्तिहान पास किए, एग्जाम्स पास किए, और वो जमाने में ईमान लाना, वो जमाने में जब दुनिया में कोई नहीं था ईमान वाला, वो टाइम पे उन्होंने ईमान लाया था, कोई छोटी बात नहीं थी, छोटा एग्जाम नहीं था, ये बहुत टफ इम्तिहान था। ये हम लोग कौन से लोग हैं मालूम है आपको? आज दुनिया में, आज दुनिया के 750 करोड़ लोगों में से 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, बाज लोग 150 बोलते हैं, 180 बोलते हैं, रॉन्ग आंसर है, 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है दुनिया में। जो 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है उनमें से आप और मैं भी, हम लोग भी मुस्लिम है, 200 करोड़ है, हम लोग भी है, इतनी सारे मुस्लिम कंट्रीज है, इतनी सारी हुकूमतें हैं जो मुस्लिम है। मुस्लिम ऐसा नहीं कि कोई शाज और नादर एक्सेप्शनल दुनिया में कोई मुस्लिम मिलता है, नायाब, जैसा कोई नायाब सा हीरा मिलता है ना, एक आध मिलता है, ऐसा नहीं। मुस्लिम बहुत सारे हैं, 200 करोड़ से ऊपर मुसलमान है, आप और मैं भी है। तो सहाबा के जमाने में वैसा था मामला नहीं था, सहाबा ने उस जमाने में ईमान लाया जब कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाया, तब उन्होंने ईमान लाया। मतलब क्या है ना, उनका जो मकाम है, हा? जो मकाम है उनका, वो इस वजह से नहीं है
कि वो बस वो हिस्टोरिकली तब पैदा हो गए, हम आज के हैं। उनका मकाम उनके काम की वजह से है, उनका मकाम उनके एज की वजह से नहीं, उनका मकाम उनके ईमान के दर्जे की वजह से है। तो ये खैर उम्मती करनी जो कहा ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेहतरीन जमाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, फिर उसके बाद का, वो ऐसे लोग थे अल्लाह ने चुना उन्हें और उन्हें वो मकाम दिया कि उन्हें वो मौका मिला। अल्लाह जिसे चाहता है चुनता है, कोई ये नहीं बोल सकता कि वो क्यों थे वो क्यों नहीं थे, क्योंकि अल्लाह जिसे चाहता है चुनता है, अल्लाह जानता है किसे चुनना है। हाँ, अल्लाह जानता है किसी को हिदायत देनी। तो सलफ यानी ये पहले के लोग, और इनके रास्ते पर हमें चलना है। हाँ, तो हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, ताबईन और ये सब के सब उसी रास्ते पर चले, वही रास्ते पर हमें चलना है, सलफ के रास्ते पर। सलफ तो जो जो बोलते हैं ना, सलफ कौन है, सलफ के रास्ते पर चलना है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सहाबा ने ताबईन को सिखाया, ताबईन ने तबे ताबईन को सिखाया, वही रास्ता सबीलिल मोमिनीन, मोमिनों का रास्ता, वही रास्ते पर हमें भी जाना है। ओके, इंशाल्लाह ये आप कंसेप्ट आई होप समझ रहे हैं। ओके, तो हम ये देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगली आयत बता रहा हूँ इस टॉपिक पे, आज की चौथी आयत। मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना चाह रहा था क्योंकि कॉमन मिसकंसेप्शंस है, मैं चाह रहा था वो गलत फहमियों से हम बचें। फर्स्ट चीज, पहली दलील, यू अली मोहम्मद किताब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब सिखाई। सेकंड दलील, फइन आमनु, अगर वो लोग ईमान लाए, बिमिस्ली मा आमनतु बिही, जैसा तुम लोगों ने ईमान लाया तो हिदायत पर है। नंबर तीन, सबीलिल मोमिनीन, मोमिनों का रास्ता, मेरे साथ दोहराएं तो आपको याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट, यू अली मोहम्मद किताब, किताब सिखाया। सेकंड क्या है, आमन तुम बिमिथली मा आमन तुम भी, मा आमन तुम भी बोलो, मा आमन तुम भी। और थर्ड, सबीलिल मोमिनीन, मोमिनों का रास्ता। अब हम आगे बढ़ते हैं, फोर्थ, सूरह 900। चलिए मैं मौका दे रहा हूँ सिस्टर फिजा, सिस्टर आफरी और सिस्टर हुमा, तीन लोगों को मौका दिया है। और यहाँ पर ब्रदर अब्दुलरहमान और ब्रदर हकीम, दो लोगों को मौका मिला है। तो कुरान की आयत में पढ़ रहा हूँ, सुनिए, सवाल पूछूंगा। वस्साबिकून अलवलून, यहाँ पे तीन का जिक्र है, तीन कैटेगरीज। वस्साबिकून अलवलून, जो सबसे पहले, जो सबकत करने वाले, मुकद्दम, अर्ली, मुहाजरीन, मिनल मुहाजरीन वल अंसार, मुहाजिर और अंसार, वल्लदीना तबाउहुम बिहसान, और जो उनकी पैरवी करते हैं बेहतरीन तरीके से। अल्लाह ताला ने तीन के ताल्लुक से जिक्र किया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अगर आपके यहाँ पे डिस्टर्बेंस है ना, आप हाथ ना उठाया करें। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी वो अल्लाह से राजी। तो जो लोगों को मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया है, आप वो लोग जवाब दें कि सवाल ये है। यस, जवाब दीजिए, कौन लोग हैं यहाँ पे? ओके, ब्रदर अब्दुल सत्तार, ये बताओ आप मुहाजरीन में से हैं? Yes. महाजरीन, महाजरीन, जो महाजर साहब आते हैं ना, जो हिजरत करके गए मक्का से मदीना गए, आप उनमें से हैं, महाजरीन में से हैं? Yes. कोई इंसान जवाब देगा? Yes, हकीम भाई आप हैं? वालेकुम सलाम, आप महाजरीन में से हैं? नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। अंसार में से हैं? नहीं नहीं, नो, ना महाजरीन है ना अंसार है। अब हम लोगों का कोई चांस है यहाँ पे? आयत में दिख रहा है आप लोगों को चांस, आपका मेरा कोई चांस दिख रहा है इसमें बचने का, रदियल्लाहु अन्हुम पाने का, कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, ऐसा चांस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कौन बताएगा? महाजिर भी नहीं है, अंसार भी नहीं, अभी क्या करेंगे? है एक चांस है, कौन बता सकता है? बताएंगे ना? हाँ, यस, कौन बताएगा? सहाबा के रास्ते पर चलना, सहाबा ने अरबिक पढ़ के बताइए, कौन बताएगा? मिनल मुहाजरीन, ना मुहाजरीन है हम, वल अंसार, ना अंसार है हम, फिर क्या है, हम लोगों का चांस क्या है बताइए जी, कौन बताएगा? मुहाजिर भी नहीं है, अंसार भी नहीं है, फिर क्या चांस है आपका मेरा? रदियल्लाहु अन्हुम पाने का चांस है, मैं कहता हूं है। चलो मौका दूसरे लोगों को भी देता हूँ। यस, सिस्टर रिश्मा, सिस्टर सुमैया, बस कहाँ है बताइए? मुकद्दम सर। वेरी गुड, माशाल्लाह, सिस्टर सादिया ने दिया ना जवाब। हाँ, किसने? रोल नंबर 195, किसने? सादिया, सिस्टर सादिया ने जवाब दिया, वेरी गुड, जोर से बोलिए सर। वेरी गुड, माशाल्लाह, आपकी इसी बात पे हम आज पहली बार ये एक रिएक्शन देने वाले हैं, एक अच्छा सा थम्स अप आपको मिल रहा है, बारकल्ला, वेरी गुड, माशाल्लाह। मेरे नाम के आगे आप देख रहे हैं,
हाँ ये आपके लिए, वेरी गुड माशाल्लाह, जहां पे है आपका मेरा चांस है, कैन यू बिलीव इट, हमारे पास चांस है, क्या चीज का चांस है, वेरी हाई लेवल, एक बहुत ऊंचे लेवल का चांस है। अल्लाह ताला ने कहा कि जो सबके सबकत करने वाले शुरू के महाजरीन है, अंसार है, वल्लदीन तबउहुम बिइहसान, और वो लोग जो उनकी पैरवी करते हैं बेहतरीन तरीके से, उनकी पैरवी करते हैं, पैरवी उनकी इत्तबा करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हैं, पैरवी करते हैं, सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की, हम सहाबा ने कैसे समझा, कैसे इत्तबा की, कैसे पैरवी की, हम उनकी पैरवी कर रहे हैं। वल्लदीन तबउहुम बिइहसान, यहाँ पे वर्ड याद करो, वल्लदीन तबउहुम बिइहसान, वो लोग जो उनकी पैरवी करते हैं बिइहसान बेहतरीन तरीके से, रदियल्लाहु अन्हुम व रदवान, अल्लाह ने कहा अल्लाह उन सब से राजी है, वो अल्लाह से राजी है, हाँ अल्लाह उन सब से राजी है, वो अल्लाह से राजी है। तो हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, तो अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम मुहाजरीन नहीं हो सकते हैं, हम अंसार नहीं हो सकते हैं, लेकिन वल्लज़ीन तबउहुम बिइहसान में से हम बन सकते हैं, रदियल्लाहु अन्हुम व रदवान। अल्लाह ताला ने फरमाया वअअद्द लहुम जन्नातन तजरी तहतहा अल्अन्हार, कि अल्लाह ताला ने उनके लिए तैयार कर रखा है ऐसे बागात जिसके नीचे से नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा अबदा, जहां वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हो गई फोर्थ दलील सूरह नंबर 9 वर्स नंबर 100 में जो थर्ड कैटेगरी जिक्र है मुहाजरीन और अंसार के बाद में, वल्लदीन तबउहुम बिइहसान में दलील है कि हमें सहाबा के मनहज पर चलना है, हां वल्लदीन तबउहुम बिइहसान में दलील है कि हमें सहाबा के मनहज पर चलना है, वेरी गुड इंशाल्लाह। हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी फर्स्ट दलील क्या थी, युअल्लिमुहुमुल किताब, सेकंड दलील क्या है, फइन आमनू बिमिथ्ली मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ, थर्ड दलील क्या है कि सबीलिल मोमिनीन, मोमिनों का रास्ता, फोर्थ दलील क्या है, वल्लदीन तबउहुम बिइहसान, चार दलीलें आ गई, पांचवी दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशेंगोई की, तफ्तरिकु उम्मती अला 73 मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, 73 सेक्ट्स, पेशेंगोई की, कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक गिरोह के, एक गिरोह के बाकी सब लोग जहन्नम जाने वाले हैं। तो कालू वमन हिया या रसूलुल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन लोग होंगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सिफत बताई, उनकी क्वालिटी बताई, क्या क्वालिटी बताई सुनिए, और यहाँ पे वो लोगों का क्लियर जवाब मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, जिस पे मैं हूँ मेरे सहाबा है, मतलब जिस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा है, वो लोग अल्लाह ताला उन्हें बचाएगा जहन्नम की आग से, जो 73 फिरकों में से जो कामयाब फिरका है उनकी ये क्वालिटी होगी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज पर थे उस पर होंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिस चीज पे थे होंगे उन पर होंगे, यानी हमें कुरान और सुन्नत सहाबा और सलफ के फहम के मुताबिक समझना है। ओके इंशाल्लाह, ये हो गई हमारी पांचवी दलील। अब मैं थोड़ा सा फास्टर जाऊंगा क्योंकि मैं टॉपिक टाइम पे खत्म करना चाहता हूँ इंशाल्लाह। तो पहली दलील क्या थी, युअल्लिमुहुमुल किताब, सेकंड दलील क्या थी, फइन आमनू बिमिथ्ली मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ, अगर वो लोग ईमान लाए जैसे तुम लोगों ने ईमान लाए तो हिदायत पर। तीसरी दलील क्या है, सबीलिल मोमिनीन, मोमिनों का रास्ता। फोर्थ दलील क्या है, वल्लदीन तबउहुम बिइहसान। फिफ्थ दलील क्या है, मा अना अलैहि वसहाबी, जिस पे मैं हूं मेरे सहाबा है। ओके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अरबिक टेक्स्ट से अपने आप को कनेक्ट करो, उसको अंडरस्टैंड करने की कम से कम कोशिश करो, अगर आप नहीं भी समझ रहे हो ना कोशिश करो इंशाल्लाह, उसको तर्जुमे का साथ लो, लेकिन ट्राई टू कनेक्ट विद द ओरिजिनल, ओरिजिनल से अपने आप को कनेक्ट करो, तर्जुमे लेवल पर ही मत रहा करो, अरबिक टेक्स्ट से अपने आप को कनेक्ट किया करो, अरबिक टेक्स्ट से मोहब्बत करो, ये अल्लाह का कलाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उससे लव करो, उससे कनेक्ट करो, उसको याद करने की कोशिश करो इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह, और इंटेंसिव एग्जाम्स हमारे खास ऐसे डिजाइन किए गए ताकि आप अरबिक टेक्स्ट जो याद करें उसका आपका टेस्ट लिया जाए, और भी हम उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगली हदीस, ये थोड़ी लंबी हदीस है, मैं जरा फास्ट पढ़ रहा हूँ, इसका लास्ट हिस्से पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। फकाल इरबाज बिन सारिया रदिल्लाहु अन्हु कहते हैं, सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता यौमिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ एक दिन नमाज पढ़े, सुम्मा अक़बला अलैना, फिर हमारी तरफ पलटे, फवाज़ना मौइज़तन बलीगा, फिर एक बहुत ही लंबी तकरीर दी, हमें एक लंबी नसीहत की, हाँ एक बहुत ही मुतवज्जा हुए और बिल्कुल बलीगा, एक बहुत ही बलीग, बहुत ही एकदम बिल्कुल एक थर काइंड ऑफ लेक्चर दिए, ज़रफ़त मिनहल उयून, जिसकी वजह से ऐसा दर्स था जैसे कि जिससे आंखें बह गई, वजिलत मिनहल क़ुलूब, दिल हिल गए, फ़क़ाल क़ायलुन, किसी कहने वाले ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काना हाज़िही मौइज़तन मुवद्दईन, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप हम लोगों को कोई अलविदाई तकरीर कर रहे हो, फ़माज़ा ताहदु इलैना,
फिर क्या हद आप चाहते हो हमसे, क्या आप क्या हमसे हमें क्या वसीयत करते हो? तो फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो बातों में से हम ये बात ले रहे हैं, फइन्नहु मैयईश मिनकुम बादी, तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेंगे, फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, बहुत इख्तिलाफात देखेंगे, फअलैकुम बिसुन्नती, उनके लिए लाजिम है कि वो मेरी सुन्नत को थामे रहे, वसुन्नतिल खुलफाएल महदीन राशिदीन, और मेरे बाद जो खुलफाए राशिदीन आएंगे उनकी सुन्नत को थामे रहे, तमस्सकु बिहा, उसे मजबूती से पकड़े रहे, वअद्दु अलैहा बिन नवाजिज, अपने जैसे के दांतों की दाढ़ से उनको मजबूती से पकड़े रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर हम फोकस कर रहे हैं, फअलैकुम बिसुन्नती, तुम्हारे लिए लाजिम है कि मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़े रहो, वसुन्नतिल खुलफाएल महदीन राशिदीन, के खुलफाए राशिदीन जो हिदायती याफ्ता जो खुलफा है उनके रास्ते को भी उनकी सुन्नत को भी पकड़े रहो। तो मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को थामे रहो। देखिए यहाँ पे एक बात आपके लिए वाज़ेह हो जाए कि जिस मामले में सहाबा में इत्तेफाक है, कंसेंसस है, वो चीज गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर जो सहाबा कह रहे हैं, जो उनका फहम है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, रज़ियल्लाहु अन्हुम उनके बारे में आया है, उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, अल्लाह ने उनके ईमान को स्टैंडर्ड ईमान बताया, सबीलिल मोमिनीन का जिक्र किया, तो इत्तेफाक है, वो चीज गलत नहीं हो सकती। हाँ, अगर दो सहाबा दो बात बोल रहे हैं तो किसकी बात लेंगे, आपको मालूम है, हम देखेंगे किसके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रूफ है। एक सहाबी के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रूफ है, दूसरे सहाबी के पास नहीं है, और इज्तिहाद है, कोई डिडक्शन है, तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रूफ जिनके पास है उनकी बात ली जाएगी। यही तरीका खुद सहाबा ने सिखाया, खुद उन्होंने इसी तरीके पर अमल किया, खुद कुरान और हदीस में ये बात तालीम दी गई थी, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सिखाई, सहाबा का ये मनहज था कि जहां पे इख्तलाफ आया फरुद्दुहु इलल्लाहि व रसूल, तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटाओ, यानी कुरान और सुन्नत की तरफ लौटाओ, फाइनल डिसीजन जो है ना कुरान और सुन्नत से मिलेगा। तो अगर दो सहाबा में इख्तलाफ है, ऑपोजिट बात बोल रहे हैं, कॉन्ट्ररी बात बोल रहे हैं, दोनों बात एक वक्त पे सही नहीं हो सकती, तो उसके अंदर किसके पास प्रूफ है कुरान और हदीस से, उनकी बात ले रहा है, और ये भी इम्तिहान है, ये भी टेस्ट है। लेकिन आम तौर पर जो सहाबा का फहम है, अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टूडेंट्स थे, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, इनके रास्ते को अल्लाह ने कहा सबीलिल मोमिनीन, मोमिनों का रास्ता कहा, इस रास्ते को हमें नहीं छोड़ना है, इस रास्ते पे सारे मुसलमानों को चलना है, तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, होगी हमारी छठी दलील। और एक सातवीं दलील एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉल है, जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का कॉल है, सहाबी रसूल का कॉल है, और बाज उलमा ने कहा कि ये मौकूफ है, मौकूफ यानी सहाबी रसूल का कॉल है, लेकिन क्योंकि वो जो बात बोल रहे हैं ये बात एक सहाबी को नहीं खुद पता हो सकती थी, सिवाय ये कि उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पता चले। बाज़ उलमा ने से फी हुक्म अल मरफू का कहा है कि मरफू के हुक्म में अल्लाह आलम, लेकिन हम देख रहे हैं बात जो उन्होंने बहुत सॉलिड बात कही, गौर से देखिए, इन अल्लाह नज़र फी कुलूब लिबा, अल्लाह ताला ने बंदों के दिलों की तरफ देखा, फवजद कल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर कुलूब लिबा, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को बंदों में सबसे अच्छा दिल पाया, फस्तफाहु लिनफ्सिह, अल्लाह ने उन्हें चुन लिया अपने लिए, वबतअथहु बिरिसालतिह, और उन्हें अपनी रिसालत के लिए सिलेक्ट किया, सुम्मा नज़र फी कुलूबिल इबाद बादा कल्बी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के बाद दूसरों के दिलों की तरफ देखा, फवजदा कुलूब असहाबिह, अल्लाह ने उनके असहाब सहाबा के दिलों को, खैर कुलूबिल इबाद बेहतरीन दिल पाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के बाद में, बाकी लोगों के दिल की तरफ देखा तो सहाबा के दिलों को बेहतरीन पाया, फजालहुम वुज़रा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बनाया, युकातिलूना अला दीनिह, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में यहां तक कि जंगों तक के लिए तैयार हो गए थे, जंगों तक भी उन्होंने साथ दिया, ऐसे नहीं जैसे बनी इसराइल ने मूसा अलैहि सलाम से कहा कि आप और आपके रब जाओ जाके जंग करो, हम लोग यहाँ पे ही रुकेंगे, यहां तक कि हर एतबार से उन्होंने कुर्बानी दी, हर एतबार से उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, पैसा खर्च करना पड़ा तो अपना पैसे ही कुर्बानी दी, घरों को छोड़कर जाना पड़ा तो हिजरत उन्होंने की, अपने यहाँ तक कि रिश्तेदारी को छोड़ना पड़ा रिश्तेदारी में उन्होंने, ऐसा नहीं था कि छोड़ दिया और भाई हमारी रिश्तेदारी हम नहीं छोड़ेंगे जाओ आपको छोड़ रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, हक का साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया, उन पर उस वक्त ईमान लाया जब कोई उन पर ईमान लाने वाला दुनिया में नहीं था, सच्चाई का साथ दिया उन्होंने, तो सहाबा का ये मकाम था। तो अल्लाह ताला ने इन्हें सिलेक्ट किया मतलब सारे बंदों में सबसे बेस्ट दिल वाले लोगों को अल्लाह ने सिलेक्ट किया, और फिर जो लास्ट वर्ड्स है ना यहाँ पे हमारा फोकस है, फमाराल मुस्लिमून हसनन, जो चीज को ये मुसलमान सही समझते हैं, अच्छा समझते हैं, फहुवा इंदल्लाहि हसन, वो अल्लाह के नजदीक सही है, वमा राहु सय्यन फहुवा इंदल्लाहि सय्यन, और जो ये लोग बुरा समझते हैं वो अल्लाह के नजदीक भी बुरा है। मतलब सहाबा की फहम, सहाबा की अंडरस्टैंडिंग, सहाबा जिस चीज को सही समझते हैं वो सही है, और जो चीज को वो लोग एज अ ग्रुप
जो खैरुल कुरून में से है, जो जिनके ईमान के बारे में अल्लाह ने कहा कि इनका ईमान स्टैंडर्ड ईमान है, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खैरुल कुरून, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा सबीलुल मोमिनीन, अब सबसे आगे के मोमिनीन यही हैं। तो ये लोगों के ताल्लुक से अगर ये लोग किसी चीज को सही समझते हैं ना, वो सही है, सही समझते हैं वो सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अभी जो मिसालें बताना चाहता हूं, एक मिसाल आपके सामने, देखिए अमेरिका में एक फिरका है, मुसलमानों का फिरका है जो जिनका नाम है द नेशन ऑफ इस्लाम, रोमन वाले ने ट्रांसलेट कर दिया ऐसे, लेकिन इनका नाम है नेशन ऑफ इस्लाम। नेशन ऑफ इस्लाम जो फिरका है ये सिर्फ ब्लैक्स है, सारे ब्लैक्स है, और इनमें व्हाइट्स नहीं, सिर्फ ब्लैक्स, और कोई छोटा मोटा फिरका नहीं है। इन्होंने वॉशिंगटन का मार्च किया था 1995 में, उसके अंदर 1 मिलियन लोगों को लेकर वॉशिंगटन पहुंचे थे, 1 मिलियन मुसलमान है ये लोग, मुस्लिम्स है, लेकिन अपना अपने आप को कहते हैं नेशन ऑफ इस्लाम। आपने लुईस फराह खान की वीडियो शायद कभी कोई क्लिप देखी होगी, लुईस फराह खान उनके मुकर्ररीन में से है। इनका क्या मानना है ना कि इस्लाम सिर्फ ब्लैक्स का मजहब है, सबके सब व्हाइट्स जहन्नम जाने वाले। उनका यह मानना है जितने भी गोरी चमड़े वाले लोग हैं ना, सब जहन्नम जाने वाले, सिर्फ ब्लैक्स जन्नत जाएंगे। और वो लोग अपने इस थिंकिंग के लिए दलील क्या देते हैं मालूम है? ये आयत जो आप देख रहे हैं ना, सूरह ताहा की आयत, सूरह 20 आयत नंबर 102, इसमें से उन्होंने वो मीनिंग निकाली। इस आयत में क्या दिया है, यौम युनफखु फिस्सूरी, अल्लाह ताला ने फरमाया जिस दिन सूर फूंका जाएगा, अल्लाह ताला ने कहा कि हम उस दिन मुजरिमीन को जमा करेंगे, जुर्का, उनकी आंखें जुर्का, जुर्का मतलब नीली होंगी, उनकी आंखें नीली होंगी, ब्लू आइट, हाँ जुर्का, उनकी आंखें मुजरिमीन की आंखें कयामत के दिन नीली होंगी, यानी खौफ का ऐसा हाल होगा मुजरिमीन जो जुर्म करके, जुल्म करके, बुराइयां करके, गुनाह करके, गलत काम करके कयामत के दिन आए हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं, कोई काम नहीं आएगा, खौफ का ये हाल होगा, आंखें जैसे कि नीली हो जाएगी। इनके इस बात के ताल्लुक से मतलब ब्लियरी आइट कहेंगे, ब्लू आइट से ज्यादा मुराद इसमें खौफ का ऐसा हाल होगा कि वैसे ही उनकी आंखों का वो हाल होगा। अब वो लोगों ने क्या कहा इस आयत को पढ़ के, बोले जुर्का, नीली आंखों वाले कौन है, गोरी चमड़े वाले, व्हाइट्स होते हैं ना उनकी आंखें नीली होती है, ये लोग मुजरिम है, ये सब जहन्नमी है, सारे के सारे व्हाइट्स जहन्नम जाएंगे, सिर्फ ब्लैक्स जन्नत जाएंगे। क्या ये बात सही गलत है? यस मोहम्मद फयाज आप बताओ, मैं अब्दुल सत्तार बोलो भाई, आप लोगों क्या लगता है सही है गलत है? बोलो, हाँ गलत है। क्यों गलत है बताइए, बताइए क्यों गलत है? कुरान है ना, कुरान अमल के हिसाब से सब जन्नत जहन्नम में जाएंगे। अब कुरान क्या आया था यहाँ पे, वो उन्होंने इसको कोट किया है, इसे गलत माने में ले लिया है, अपनी अंडरस्टैंडिंग पहले बनाकर कुरान की आयत को उस अंडरस्टैंडिंग पे फिट कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत में व्हाइट्स ने ब्लैक्स पे बहुत जुल्म किया है, जो कॉलोनाइजेशन के जमाने में जो यूरोपियन पावर्स ने किया, गलत किया, वो गलत गलत था, लेकिन दैट डजंट मीन सारे व्हाइट्स जहन्नमी। व्हाइट्स में अच्छे ईमान वाले, तकवे वाले लोग भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खुद सहाबा को मिलेंगे जो व्हाइट स्किन वाले, हां जो व्हाइट स्किन वाले जिन्होंने ईमान लाया था, तो इस्लाम ने कोई ऐसी तालीम नहीं दी है, और कुरान में है या अय्युहन नास इंसान, तो आपको आयत तो पता ही होगी सूरह 49:13, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन वा उन्था, मैंने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से बनाया है ना। तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, कहां से आई, कुरान से। लेकिन क्यों आई, सेफ्टी बेल्ट ये लोगों के पास नहीं था, कुरान तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत को सहाबा सलफ ने कैसे समझा, इस बात को समझेंगे तो ही वो कामयाब होने वाले हैं इस चीज के ताल्लुक से। हाँ तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए। एक और मिसाल, सेकंड मिसाल, और ऐसी बहुत मिसालें हैं। हाँ ये YouTube की मैंने एक वीडियो सिलेक्ट की, ये वीडियो के बहुत 500,000 के करीब व्यूज अभी तो और बढ़ गए हैं। इस आयत में आता है, इसमें वो लोगों ने क्या कहा, कहा कि कुरान कन्फर्म्स एवोल्यूशन। वो कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम के जो अब्बा थे ना, बंदर थे, आदम अलैहिस्सलाम के अब्बा थे पहले, तो वो बोलते हैं आदम अलैहिस्सलाम के अब्बा थे पहले, तो ये बात गलत बात। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया, और वो कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम के अब्बा थे, वो बंदर थे, सब बंदरों में से पहले इंसान जो आया ना आदम अलैहिस्सलाम। और दलील क्या है ना, सूरह 3 में से जिम्नास्टिक्स करके, कैसे भी करके उन्होंने ये माने निकाले कि आदम अलैहिस्सलाम के सारे अब्बा, दादा, परदादा सब बंदर थे, आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे। मतलब क्या है मालूम है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कुछ लोग है ना कुरान से कुछ भी मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े आते हैं। कैसे पकड़े आते हैं मालूम है, कुरान के साथ सुन्नत भी है,
और कुरान और सुन्नत के साथ सहाबा का फहम भी है। अल्लाह ताला ने जो दीन को भेजा ना, दिस इज नॉट ओपन टू मिस इंटरप्रिटेशन। ये दीन ऐसा दीन नहीं है कोई चाहे तो कुछ भी माने निकाल ले और बच के निकल जाए। पकड़ा जाएगा, कहाँ पकड़ा जाएगा? छलनियां होती है ना, तो कहाँ पे पकड़ा जाएगा? कुरान के साथ सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक्सप्लेनेशन और कुरान और सुन्नत के साथ सहाबा का फहम है। तो आप सारे स्टूडेंट्स जो आज मौजूद है ना, आप सब अपने आप को सेफ रखो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने ईमान को सेफ रखो। कल आप में से किसी को कोई नई बात कुरान और हदीस से समझ में आए, चेक करो सहाबा ने वो बात समझी थी कि नहीं समझी थी। कोई नई बात, नई आइडिया आ गई, बस समझ में आ गया, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ आदम इस्लाम के अब्बा बंदर थे, या ब्लू आइड लोग यानी कि सब वाइट जहन्नम में, कुरान में दिया है हाँ वाइट ब्लू आइड। तो ऐसी कोई नई आइडिया किसी को आए तो क्या करना पड़ेगा? चेक करो सहाबा को ये बात समझ में आई कि नहीं आई। नहीं समझ में आए ना, बरी इट, आइडिया को दफन कर दो। हाँ जो बात समझ में आई ना, कुरान और हदीस सहाबा और सलफ में नहीं मिलती है ना, तो आप बताओ 1400 साल तक किसी को नहीं समझ में आया, आप 1400 साल बाद आज आप जाके समझ में आएगी हम लोगों को? इज दिस जस्टिफाइड? ये कोई कॉमन सेंस सही बात हो सकती है? आप जरा सोचो ना कि ऐसे जो लोग करते हैं ना, दे आर डूइंग अ ग्रेट डिसर्विस टू द रिलीजन ऑफ इस्लाम। इस्लाम जो प्योर रिलीजन है उसको एक बहुत बड़ी डिसर्विस कर रहे हैं जो लोग इस तरह का करते हैं, अपनी तरफ से नए इंटरप्रिटेशन लाकर फिट करते हैं द नेम ऑफ इस्लाम। तो ये बहुत गलत बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां से अब हम कुछ आयतें कुछ हदीसें देखेंगे सहाबा इकराम के ताल्लुक से, और मैं आप लोगों को कुछ बहुत ब्यूटीफुल बातें बताना चाहता हूं। तो मैं ये टाइमलाइन आपके सामने रखता हूं, 13 साल की टाइमलाइन है। जो रेड हिस्सा है वो मक्की दौर है, ब्लू हिस्सा है वो मदनी दौर है। जैसे आप देख रहे हैं रेड मक्की दौर यानी कि ज्यादा 13 साल के करीब, और मदनी दौर जो तकरीबन 10 साल। तो हम देख रहे हैं 23 ईयर्स के पीरियड को इस तरह से टाइमलाइन पे डालकर हम 5 आयतें देखेंगे। 5 पहली आयत स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत देखिए, ये आयत जो हम पढ़ चुके हैं, अब हम इसकी लास्ट लाइन पढ़ेंगे। यहां पे अल्लाह ताला ने फरमाया 4 चीजें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, लास्ट आयत पढ़िए, व इन कानु मिन क़ब्लु लफी दलालिम मुबीन, और वो लोग इससे पहले, वो लोग यानी किसकी बात हो रही है, जिन्हें सिखाया किताब, युअल्लिमुहुमुल किताब जिन्हें किताब सिखाया, वल हिकमा हिकमत सिखाया, यतलू अलैहिम आयाती जिनके लिए आयतें पढ़ पढ़ के सुनाया, व युज़क्कीहिम जिनकी तज़किया की, व युअल्लिमुहुमुल किताब किताब सिखाया, वल हिकमा हिकमत सिखाया, उनके बारे में अल्लाह ने कहा वो इन कानू मिन कब्लु लफी दलाल मुबीन, इससे पहले वो खुली हुई गुमराही में थे। गौर करिए, इससे पहले खुली हुई गुमराही में थे। बाज़ लोग क्या बोलते हैं ना, सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में भी गुमराह हो गए और छुपे हुए थे। नहीं, अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला का ये कहा होता कि इससे पहले भी गुमराही में थे, बाद में भी गुमराही में, ऐसा कहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे क्या पता चला, ये आयत में जो वर्ड्स यूज किए गए ना, वो इन कानू मिन कब्लो, पहले वो थे गुमराही में, जमाने जाहिलियत में वो गुमराही में थे, लेकिन इस्लाम आने के बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद, ईमान लाने के बाद हिदायती आते हैं। ये बात यहाँ पे इस आयत में दिख रही है। उन्होंने ईमान लाया, उन्होंने साथ दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन्होंने हर एतबार से कुर्बानी दी, और वो करने के बाद, ईमान लाने के बाद, वो गुमराही में नहीं रहे, वो हिदायती आफ्ता हो गए। मतलब इस आयत में ये जो वर्ड्स है ना, मिन कब्लु लफी दलालिम मुबीन, इससे पहले वो खुली हुई गुमराही में थे, तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ मिल रही है कि हमें सहाबा की तरफ देखना है, सहाबा हिदायती याफ्ता थे, इस बात की हमें दलील मिल रही है। सेकंड दलील, अब हम आते हैं आगे हिजरत। देखिए मैंने सिर्फ 5 आयतें सेलेक्ट की क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 5 काफी है समझने वालों के लिए इंशाल्लाह। हिजरत की बात के ताल्लुक से हम एक आयत लेंगे, अल्लाह ताला ने फरमाया हिजरत के ताल्लुक से, मुहाजरीन के ताल्लुक से, अंसार के ताल्लुक से, देखिए लिल फुकरा अल मुहाजरीन, मुहाजरीन में जो गरीब मुहाजिर हैं उनके लिए, ये माल में से जो लड़ाई के बगैर जो फ़े का माल हुआ था, मिला था, उसके ताल्लुक से अल्लाह ने कहा कि उसमें जो मुहाजरीन में जो गरीब मुहाजिर साहब है उनके लिए एक हिस्सा है। फिर अल्लाह ने जिक्र किया है, पढ़िए, अल्लदीना उखरिजु मिन दियारिहिम, जो अपने घरों में से निकाल दिए गए, वअमवालिहिम अपने माल प्रॉपर्टी में से निकाल दिए गए, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब छोड़ के आना पड़ा, कोई छोटी बात नहीं है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने घर को छोड़ के जाना, घर से बेघर हो गए थे, जब मक्का में छोड़कर आना पड़ा, और आपको पता है कि हिजरत किस सर्कमस्टांसेस में, किन सर्कमस्टांसेस में हुई हिजरत, जिन सर्कमस्टांसेस में हुई ना, सीक्रेटली हिजरत करनी पड़ी। ऐसा नहीं कि हाँ सब लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, सब लोग नीलाम कर रहे हैं, हम लोग सबके सब शिफ्टिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐलान नहीं कर सकते थे, नहीं तो वो लोग आके जो दुश्मन थे, जो बिल्कुल उस वक्त पर आ गए थे, वो मोड़ तक आ गए थे कि जानलेवा दुश्मन बन चुके थे, मक्का के मुशरिक जान लेने पे उतर आए थे। तो अगर ऐसा ऐलान कर दिया जाता ना, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता, सब लोगों की जाने जाती, बहुत सारे लोग जानती, आहिस्ता आहिस्ता निकल निकल के जाने लगे, हाँ निकल निकल के जाने लगे, प्रॉपर्टी छोड़ छोड़ के जाने लगे,
अपने घर बार को प्रॉपर्टी को छोड़ छोड़ के जाने लगे, घर से बिगड़ हो गए थे जब मदीना पहुंचे थे। हाँ, कोई छोटी बात नहीं थी, ये लोगों ने जो कुर्बानी दी अल्लाह ने बताया उखरिजु मिन दियारिहिम, निकाल दिए गए अपने घरों में से, अपने अम्वाल अपने माल में से, अपनी प्रॉपर्टी अपने खेत अपने बागात अपनी प्रॉपर्टी अपनी दुकानें अपने बिजनेसेस को छोड़ के उनको जाना पड़ा। यब तगुना फजल मिन अल्लाह व रिदवाना। देखिए बात गौर करिए कि यहाँ पे एक चीज है बाहर का अमल हिजरत की, लेकिन दिल की बात कौन जान सकता था? अल्लाह। अल्लाह ताला ने कहा यब तगुना फजल मिन अल्लाह व रिदवाना, ये जो वर्ड्स है ना लाइन फर्स्ट लाइन के आखिर में, ये गौर करिए कि अल्लाह का फजल तलब करते हुए अल्लाह की रजा तलब करते हुए, मतलब उनके दिल में क्या था मामला? इखलास था। वो क्या चाहते थे? अल्लाह का फजल चाहते थे। किसकी रजा चाहते थे? अल्लाह की रजा चाहते थे। और लोग आज बोलते हैं ना कि वो लोग अंदर से सही नहीं थे, क्या हक बनता है वो लोगों को जो इस तरह की बात कहते हैं कि भाई बाहर से थे लेकिन अंदर से नहीं थे। अल्लाह अंदर की बात जानते हुए अल्लाह ने कहा यब तगुना फजल मिन अल्लाह व रिदवान। गौर से सुन रहे हैं, मैं एक सवाल आगे पूछने वाला हूँ, देखते हैं कि कौन जवाब देगा। वयंसुरून अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह की मदद करते हुए, अल्लाह की मदद यानी अल्लाह की दीन की मदद करते हुए, अल्लाह के रसूल की मदद करते हुए, उलाइका हुमुस सादिकून, यही सच्चे लोग हैं, ये सच्चे लोग हैं। अल्लाह ताला ने कहा क्या कहा? कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, ये सच्चे लोग थे। जुबान से जो कहा था वो लोग दिल में भी वही था उनके, सच्चे लोग थे ये। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लदीना तबव्वउद्दार वल्ईमान मिन क़ब्लिहिम, कि वो लोग जिन्होंने अपने घरों को खोल दिया, अपने घरों को खोल दिया, अपने ईमान को, मतलब उनसे पहले ईमान ले आए, मिन क़ब्लिहिम मतलब इनके आने से पहले वो लोग ईमान में दाखिल हो चुके थे, युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, जो उनकी तरफ हिजरत करते हैं उनसे ये लोग मोहब्बत करते हैं। किसकी बात हो रही है? अंसार की बात हो रही है, कि वो किससे मोहब्बत करते हैं? महाजरों से मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं है कौन लोग आए, क्यों आ गए ये लोग, ये क्या है, ये लोग कहाँ से आ गए? जैसे बाज लोग कहीं से माइग्रेट करके आते हैं ना, आपने देखा होगा कि माइग्रेंट्स आ गए यहाँ से, जैसे आपने देखा होगा यूपी से माइग्रेंट आ गए, बिहार से माइग्रेंट आ गए, महाराष्ट्र वाले बोलते हैं कौन माइग्रेंट हो, क्यों आ गए, फला जगह से माइग्रेंट वहां आ गए, यहाँ से कुछ लोग माइग्रेट करके वहां गए, तो वहां वाले बोले कौन लोग क्यों आ गए। ऐसा नहीं था उनका मामला, उनका क्या मामला था? युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, जो ये लोग हिजरत करके आए ना उनके पास, ये उनसे मोहब्बत करते थे, दीज टू लव देम। हाँ, और बाज लोग आपसे कहेंगे कि अंसार और महाजरीन के बीच में झगड़े थे और अल्लाह ने उनकी मोहब्बत का जिक्र किया कुरान में। हाँ, कितनी कॉन्ट्रोडिक्टरी बात है ना, काश वो लोग कुरान पे ईमान ले आते तो उनको ये बात मिल जाती थी। युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, वो मोहब्बत करते हैं उनसे जो उनके पास हिजरत करके गए। वला यजिदु फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा उतू, और अपने दिलों में थोड़ी भी वो तंगी नहीं पाते उस चीज के ताल्लुक से जो उन्हें दी गई, मतलब महाजरीन को जो दी गई उस चीज के ताल्लुक से अंसार को थोड़ी तंगी नहीं महसूस होती, अरे नहीं हमको नहीं मिला, ये हमको मिला, ये हमारा क्या हुआ, ऐसा नहीं था। अल्लाह ताला ने उसके ताल्लुक से बताया वो युसिरूना अला अनफुसिहिम वलो काना बिहिम खसासा, उनका आम मामला क्या था? वो अपने ऊपर उन्हें तरजीह देते हालांकि वो खुद भी जरूरतमंद थे, मतलब अंसार जो थे ना वो खुद भी जरूरतमंद थे। आप अंसार की सिचुएशन देखिए कि अंसार ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और महाजरीन सहाबा को वेलकम किया ना, तो अंसार कौन लोग थे भाई? आपको पता है अंसार कौन थे? ये दो कबीले थे, औस और खजरज मेनली, ये दो कबीले थे। और आपको पता है कि सारे अरबों के सारे कबीलों के साथ उन्होंने दुश्मनी मोल ली सिर्फ हक का साथ देने की वजह से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने की वजह से सबके खिलाफ, सब लोग उनके खिलाफ हो गए, सब लोग खिलाफ हो गए क्योंकि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। तो इन्होंने, इनके दिल में क्या था? मोहब्बत थी। और यू सिरूना अला अनफुसिहिम, आपको पता है आयत कब नाजिल हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि उनकी ज़ियाफ़त की जाए। हाँ, ये सही बुखारी में हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में जब भेजा तो आपको पता है कि घर में जब भेजा और जब चेक कराया तो घर में, किसी भी घर में खाना नहीं था। और ऐसा होता था, आपको पता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा होता था। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि यबी तू लयालियन मुतताबिया, कंटिन्यूस ऐसी कई रातें गुजरती थी। वह अहलुहु ला यजिदुना अशा, उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के पास रात में डिनर नहीं होता था, मतलब दिन में खाना मिल गया मिल गया, लेकिन रात में डिनर नहीं होता था, खाना खाए बगैर रात में सोते थे, ऐसे कंटिन्यूस रातें गुजरती थी। अगर किसी और पे ऐसी रात गुजर जाए ना, बोले मेरा क्या है, लेकिन देखो कितना ईमान था उनका। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में पूछवाया तो मालूम पड़ा कि घर में कुछ भी खिलाने के लिए नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि तुम में से कौन ज़ियाफ़त करेगा, मतलब मेरे इस मेहमान को खाना खिलाएगा। तो एक अंसारी सहाबी, अबू तलहा अंसारी रदिल्लाहु अन्हु, उन्होंने कहा मैं ले आऊँगा, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को ले आऊँगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खुशखबरी दी कि उसके लिए ये बशारत है। तो अबू तलहा अंसारी जब लेकर गए घर पे, तो उनकी वाइफ ने बताया कि आज घर में खाना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही खाना है कि बच्चों के लिए काफ़ी है, आप क्यों, मेरे लिए भी खाना नहीं है। उनका भी मामला ऐसा था, रात का डिनर नहीं था,
डिनर के लिए कुछ नहीं था। अब मेहमान को लेकर आ गए, उनकी बीवी भी देखी कितनी कोऑपरेटिव है, और मशवरा उन्होंने किया, मशवरे में ये फाइनल हुआ कि ऐसा करते हैं कि बच्चों को खिलाते खिलाते, यानी खिलाना खाना नहीं, खेल खेलते 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 प्ले करते करते उनको सुला दो। बच्चे ऐसा मामला होता है ना, बच्चों का आपने भी देखा होगा, खेलते खेलते सो जाते हैं ना, उनको कई बार खाने की पड़ी नहीं होती, माँ बाप को फिक्र करनी पड़ती है उनके खानों की, अरे खाना नहीं खाया हो, तो खिलाते खिलाते सुला दो, और जब वो सो जाए तो तब हम लोग खाना खाने जब बैठेंगे तो आपको पता है कि मेहमान नवाजी का एक ये भी है कि जब खिलाते हो तो साथ में खुद भी खाओ, मतलब खाली ऐसा नहीं खिला रहे हैं और हाँ खाओ खाओ, नहीं खुद भी खाते हैं, तो ये अच्छी मेहमान नवाजी समझी जाती है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग उस टाइम पे एक्सीडेंटली लाइट बुझा देंगे ताकि जो खाना है वो सिर्फ बच्चों के जितना खाना ना, सबके लिए थोड़ी काफी होगा, बड़ों के लिए, बच्चों के जितना खाना। उन्होंने कहा, उन्होंने अबू तलहा अंसारी उनकी वाइफ ने डिस्कस करके स्ट्रेटजी बनाई कि हम लोग ऐसा करते हैं कि ये खाना पूरा के पूरा हम मेहमान को खिला देते हैं, और हम लोग ऐसे ही साथ में बैठेंगे, प्रिटेंड करेंगे जैसे हम भी खा रहे हैं, उनको लगे कि हम भी खा रहे हैं, क्योंकि अगर देख लें तो बोलेंगे चलो तो आप लोग भी खाओ, थोड़ा थोड़ा मिलकर खाएंगे, लेकिन उनको पेट भर खाना नहीं मिलेगा ना, अच्छे से खाना नहीं मिलेगा। तो उन्होंने पूरा खाना उस मेहमान को खिलाया, और दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में, मतलब जो बैठे थे तो ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे जैसे खा रहे हैं लेकिन खा नहीं रहे थे। अगले दिन सुबह में जब अबू तलहा अंसारी गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे, कहा कि अल्लाह ने ताज्जुब किया तुम्हारी इस मेहमान नवाजी पर, हाँ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी उनको दी, और जो ये खबर है ये बात आज आपको मुझे मालूम पड़ा, जो वो सहाबी छुपाना चाहते थे उस वक्त पे आयत नाज़िल हुई थी, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, उन्होंने अपने ऊपर उन्हें तरजीह दी हालांकि वो खुद भी जरूरत में थे, और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वमन युकशुह नफ्सिह फौलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जो कि दिल के, अपने दिल की कंजूसी से हाँ बचा लिया गया, जो दिल की लालच से बचा दिया गया, तो फौलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही तो कामयाब है, वही तो लोग कामयाब है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे लिए एक नसीहत है, इबरत है, हमारे ब्रदर्स के लिए, दीन में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं ना, कि हम उनके लिए खैर खाई रखें, उनके लिए सिंसियरिटी रखें, और ऐसा नहीं जैसे बाज लोग होते हैं लालची होते हैं, सबकी चीजें लेना चाहते हैं। हाँ, तो जसदिन वाहिद, जैसे कि एक जिस्म होता है ना, एक जिस्म की तरह होता है मोमिनों का मामला, तो ये चीज हम देख रहे हैं सहाबा के इस जज्बे से। ओके, हम आगे बढ़ते हैं तीसरी आयत, ये किबला तब्दील होने के ताल्लुक से। आप देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया वमा जअलनल क़िबलत अल्लती कुंत अलैहा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने वो क़िबला जिस पर आप थे ये सिर्फ इसलिए ही बनाया, इल्ला लिनअलमा, ताकि हम इम्तिहान ले लें, हम जान ले से मुराद इम्तिहान ले लें। मन यत्तबिउर रसूल, कौन है जो रसूल की इत्तबा करता है, मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैही, और कौन है जो अपने एड़ियों तले पलट जाता है, व इन कानत लकबीरतन, और ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, इल्ला अल्लज़ीन हदल्लाहु, सिवा उनके लिए जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, बाकी सबके लिए एक मुश्किल इम्तिहान था। क्या हुआ था, किबला क्या था, बैतुल मक़दस, कब मदीना में हिजरत करके जब पहुंचे तो 16 से 17 महीने, सही बुखारी की हदीस है, 16 से 17 महीने तक बैतुल मक़दस की तरफ वो लोग नमाज पढ़ते थे, और फिर अल्लाह ताला ने वही नाजिल की कि ये जो पिछला तब्दील किबला था ये इसीलिए था ताकि हम इम्तिहान ले ले कि तुम में से कौन है जो नबी की पैरवी करता है और कौन है जो अपने एड़ियों तले पलट जाता है। तो उन्हें जब हुक्म नाजिल किया गया कि पलट जाओ बैतुल्लाह की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ, तो सहाबा ने किबला चेंज किया डायरेक्टली, कोई ऐसा नहीं कि अरे कैसे माने, अरे कल तक यहाँ पढ़ रहे थे अभी ऐसे कहाँ पढ़े, अल्लाह जानता है, अल्लाह ने इम्तिहान लिया, इम्तिहान में वो लोग पास हो गए। अल्लाह ताला ने क्या कहा, वो इनकानत ले कबीर रतन, ये एक मुश्किल मामला था, आप और मैं समझ सकते हैं ना कि किबला चेंज होना ना कोई छोटी बात नहीं है, अगर आप में से और आप हम सबका इम्तिहान ऐसा होता कि किबला चेंज हो गया तो कितना मुश्किल इम्तिहान होता, जरा सोच के तो देखो, चेंज हो गया था उनका किबला, चेंज, आज किबला यहाँ था कल वहां है, मतलब एक नमाज में यहाँ था अभी चेंज हो गया, बल्कि नमाज के अंदर ही सहाबा ने चेंज कर दिया, जिन्हें नमाज के अंदर खबर मिली मस्जिद क़िबलतैन जहां आज। तो हम देखते हैं कि ये मुश्किल इम्तिहान था, इल्ला अल्लज़ीन हदल्लाह, सिवाय उनके लिए जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी। मैं चाहता हूं कि आप में से कौन बता सकता है कि सिवाय उनके लिए जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, मैं क्लियर कर रहा हूं, इसमें एक दलील है कि सहाबा हिदायती याफ्ता थे, सहाबा हिदायती याफ्ता थे, इसमें दलील है, कौन बताएगा, किसे क्लिक हुआ, मैं चार लोगों को दे रहा हूं मौका, आसिया शेख, अर्शिया बानू, सुमैया कोकर और रुखसार अली और अब्दुल सत्तार जी।
कहां है इसमें? सहाबा हिदायती याफ्ता थे, इसकी दलील है यहां पे। कौन बताएगा जल्दी बताएं, एक लाइन में बताएं, क्विकली बताएं, नहीं तो मैं बताऊंगा, वक्त खत्म हो रहा है एक्चुअली। जी क्योंकि उन्होंने किबला उसी वक्त चेंज कर लिया था जी, एरियो के पलट गए थे और उन्होंने उसमें मतलब कोई भी कजी नहीं करी, कोई भी उन्होंने वो नहीं करा और फौरन जैसे किबले का आया वैसे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह समीना बताना और इताअत कर ली। जज़ाकअल्लाह खैर, वेरी गुड सिस्टर सुमैया, कि उन्होंने फौरन किया और अल्लाह ताला ने क्लियरली कहा ये एक मुश्किल इम्तिहान था, सिर्फ उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं था जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, जो हिदायत याफ्ता थे उनके लिए मुश्किल नहीं था, बाकी लोगों के लिए मुश्किल होता। इसमें दलील है कि सहाबा हिदायत याफ्ता थे, हाँ सहाबी सहाबा हिदायत याफ्ता थे। बारकल्लाह फी, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगली बात, मतलब क्या है, टेस्ट था ये, हाँ टेस्ट था ये, इम्तिहान था और सहाबा पास हुए। हम आगे बढ़ते हैं हुदैबिया, हुदैबिया के वक्त पर अल्लाह ताला ने एक और इम्तिहान लिया उनका, और क्या हुआ, बार बार उनके एग्जाम्स हुए, जैसे बार बार इम्तिहान हुआ, किबला चेंज हुआ, घर हिजरत करके जाना पड़ा, ईमान लाना मुश्किल हालात में, मुश्किल सिचुएशन में, बार बार ये लोग पास हुए तो जाके उनको मकाम मिला ना, रदियल्लाहु अन्हुम का मकाम उनको कैसे मिला, वैसे मिला। हुदैबिया में क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब दिखाया गया, और नबियों के ख्वाब भी वही होते हैं। वो ख्वाब में इंस्ट्रक्शन था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमरा करने जाना है, सहाबा ने साथ दिया, मक्का के मुशरिकों के साथ जंग थी, बद्र की जंग हो चुकी थी, उहद की जंग हो चुकी थी, जंग की खंदक हो चुकी थी, 6 हिजरी की बात है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वही मिली ख्वाब के जरिए कि आपको हिजरत करने जाना है, आपको आपको उमरा करने जाना है, उमरा उमरा करने जब जा रहे हैं तो जंग के जो सारे सामान होते हैं वो नहीं लेके गए थे, जो नीजे और सारे जो जो डिफेंस के जो सारे सामान होते हैं वो नहीं, सिर्फ एक सिंपल तलवार जो सेल्फ डिफेंस के लिए आमतौर पर रखी जाती थी उस जमाने में, उतनी सिंपल तलवार के साथ वो लोग गए थे। सही बुखारी की हदीस में आता है कि 1500 थे, सईद इब्न मुसय्यिब ताबई है वो कहते हैं कि वो 1500 सहाबा थे जो गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, गए थे यानी जो बैतुल रिदवान के टाइम पे मौजूद थे। क्या हुआ, जब मक्का से बाहर पहुंचे और खबर अंदर भेजने के लिए उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा गया मक्का के अंदर, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाकर कहा कि मैसेज लेकर गए थे, पैगाम लेकर गए थे कि हम लोग जंग करने नहीं आए हैं, हम लोग सिर्फ उमरा करने आए, उमरा करके जाएंगे बस, कुछ नहीं चाहते हम लोग। तो मक्का के मुशरिकों ने रिस्पॉन्स पहले शुरू में नहीं किया, खबर यह उड़ी कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का कत्ल कर दिया गया है, और इस तरह से एक भेजे हुए मैसेंजर का कत्ल करना उस जमाने के लॉज और कानून के हिसाब से भी बिल्कुल रॉन्ग थी बात, यानी जंग का ऐलान था। तो ये खबर बाहर आ गई थी, उस वक्त पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया की जगह के मकाम पर सहाबा से बैठ लिया कि कौन मेरे साथ आएगा, कि हम लोग जाएंगे अभी इसी हालत में, यही हालत में जाएंगे और हम लोग मक्का पे अटैक कर रहे हैं, कौन कौन मेरे साथ आएगा, कौन मेरे साथ है इस चीज में, क्योंकि भेजे गए एक मैसेंजर को पीसफुल मिशन के लिए, सिर्फ उमरा करने आए, उमरा करके जाएंगे, कुछ नहीं चाहते हम लोग, ऐसे पीसफुल मिशन के लिए भी जब वो लोग जंग पे उतर आए हैं तो उनके साथ निपटना जरूरी था उस सिचुएशन में। उस वक्त पर वो सिचुएशन में सिर्फ एक तलवार साथ में और कोई चीज नहीं थी, 1500 सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के नीचे पर बैत ली और एक पेड़ के नीचे ली, जो जो हुदैबिया में पेड़ था, ये जमान बाद में जाके पेड़ को काट दिया गया ताकि लोगों में गलत अकीदा वो पेड़ के ताल्लुक से ना आ जाए। अल्लाह ताला ने वो लोगों के ताल्लुक से कहा, लकद रदियल्लाहु अनिल मोमिनीन, अल्लाह राजी हो गया वो मोमिनों से, इज युबायिउनका तहता शजरती, कि उन्होंने जब बैत ली पेड़ के नीचे, जो ये पेड़ के नीचे बैत ली, अल्लाह ताला ये लोगों से राजी हो गया कि क्या लोग हैं, अल्लाह ताला इनसे राजी हो गया कि ये पास होने वाले लोग थे, ये एड़ियों तले पलट करके जाने वाले लोग नहीं थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जाओ अल्लाह के साथ बस, हम लोग को भी यहाँ खड़े होकर देखेंगे, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल ने कहा था, नहीं वो ऐसी सिचुएशन में भी बैत लेकर वादा करके तैयार थे, तो अल्लाह राजी हो गया वो लोगों से। अब पढ़िए क्या दिया गया इसके आगे, فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, अल्लाह जानता था जो उनकी दिलों में है। इसमें सवाल का जवाब है, जो बाज लोग आज जो ऐसे लोग हैं ना जो पॉलिटिकल कमेंट्री में सहाबा पे तंज उतारने करते हैं, सहाबा के बारे में गलत बातें कहते हैं और कहते हैं कि सहाबा के दिल के अंदर कुछ और था बाहर कुछ और था, ऐसी बात वो सहाबा के बारे में कह रहे हैं, अल्लाह मुस्तान। आप देखिए अल्लाह ताला ने कहा فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, अल्लाह जानता था जो उनकी दिलों में है, अल्लाह सब कुछ जानते हुए रदियल्लाहु अनिल मोमिनीन, अल्लाह राजी हो गया इन मोमिनों से, हाँ दिल में क्या था जानते हुए। क्या आप गैर मुसलमानों को यह कहने का मौका देंगे कि अल्लाह किससे राजी होना है अल्लाह ताला को नहीं पता था, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह दिलों में क्या था उनके जानते हुए अल्लाह उनसे राजी हो गया, उनके अगले पिछली सब बातों को देख के राजी हो गया, हाँ
मतलब यहाँ पे एक सवाल आने वाला है, जरा गौर से सुनिए। फअंजला सकीनत अलैहिम, अल्लाह ने उनके ऊपर इत्मीनान नाज़िल किया ये लोगों पर। वा असाबहुम फतहन करीबा, और उन्हें बहुत ही करीबी फतेह मिली। हुआ क्या हुआ, ये कि आगे उस वक्त पर तो मक्का के मुशरिकों ने जैसे कि अपना हाथ ऊपर रखने के लिए, अपने जैसे कि दाव दबाने, अपना अपना जरा अपना रौब जमाने के लिए कहा कि तुम लोग सब वापस जाओ, अगले साल आना उमरा करने। लेकिन एक पीस ट्रीटी हो गई, और वो पीस ट्रीटी की वजह से मुसलमानों में की दावत, इस्लाम की दावत मक्का के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर पहुंचने लगी। यहां तक कि 8 हिजरी में जाकर फतेह मक्का का मेन सबब सुलह हुदैबिया थी। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में हुई, उसके 2 साल बाद फतेह मक्का हुई, हुआ पीसफुल तौर पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा को लेकर पहुंचे और जाकर के मक्का पीसफुली जाकर फतेह किया गया। ये जरिया क्या था, सुलह हुदैबिया थी। तो सुलह हुदैबिया वसाबहु फतहन करीबा, एक करीबी फतह मिली, जो करीबी फतह जो हम देखते हैं, जिसका जिक्र है, जिसका इशारा है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये आयत में क्या मिलता है, जो हम कहते हैं ना सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, तो ये कहा दिया गया, लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीन, अल्लाह राजी हो गया ये मोमिनों से। हाँ, तो हमें ये बात मिल रही है यहाँ पर, और इम्तिहान था इनका, फिर एक बार पास हुए। आगे बढ़ते हैं, अगला एक पोल आपसे, मैं एक सवाल चाहता हूँ, क्विकली आप लोग जवाब दें कि पोल में कि ये जो बैतुल रिदवान में जो सहाबा थे, हाँ ये जो सहाबा थे, अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया किस वक्त के लिए था, उसी वक्त के लिए था राजी हो गया, नंबर 2 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के लिए था, या उनकी पूरी जिंदगी और बाद में भी, हर यानी आखिरत में भी और दुनिया में भी अल्लाह उनसे राजी हो गया, क्या है सही जवाब? उस वक्त के लिए था, वो टाइम के लिए था ये राजी हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के लिए था कि हर जमाने के लिए, आगे के लिए, पूरी जिंदगी भर के लिए, क्या है सही जवाब? क्यों? क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है आज, बाज लोग ये बात, यही इल्जाम लगाते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बारे में सही फहम, सही अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचे इंशाल्लाह। 3, 2, 1 एंड पोलिंग जल्दी दब गया। रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर, 97% से 96% लोग ये कह रहे हैं कि ये उनकी पूरी जिंदगी और बाद में भी, वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड, सही जवाब है। हाँ, बारकल्लाहु फी, अल्लाह आप लोगों के इल्म में समझ एतबार से हर जमाने और दौर के लिए अल्लाह राजी हो गया, आगे भी पीछे भी, ऐसा नहीं कि उस वक्त के लिए राजी था, क्योंकि कुरान में अभी भी हम पढ़ते हैं लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीन, अल्लाह राजी हो गया मोमिनों से, मतलब अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया, आज भी राजी, उस जमाने के अंदर भी राजी था जब यह आयत नाज़िल हुई, उसके बाद भी राजी था और बाद में भी राजी रहा, क्योंकि अल्लाह राजी हो गया, सब कुछ जानते हुए राजी हुआ, आगे पीछे जानते हुए राजी हुआ। फतेह मक्का के बाद अब देखिए ये आयत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सूरह फतह की आखिरी आयत है, सूरह 48 आयत नंबर 29, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वल्लदीन माहू अशिद्दाउ अलल कुफार, जो उनके साथ है वो कुफार पर सख्त है, रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम करने वाले, कैसे हैं पढ़िए, आपस में रहम करने वाले हैं। और लोग आपसे कहेंगे सहाबा के आपस में ही बहुत झगड़े थे, किसकी बात मानोगे आप, हाँ अल्लाह ने जो कुरान में कहा रुहमाउ बैनहुम मानेंगे, या वो लोगों की बात मानेंगे जो कहेंगे सहाबा के आपस में झगड़े थे? ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सबीलुल मोमिनीन जिनके तरफ रिफर किया गया है, जिनका ईमान स्टैंडर्ड ईमान बताया गया है। तो लोग इसको तितर बितर करने के लिए सहाबा के आपस के बाज जो इख्तलाफात थे, और वो इख्तलाफात क्या थे वो समझना बहुत जरूरी है, जो जंगें भी हुई वो जंगों के ताल्लुक से समझना बहुत जरूरी है, कि वो भी इज्तिहादी तौर पर था, मतलब आपको पता है कि जो इज्तिहाद के ताल्लुक से रूल है कि 2 जज करते हैं, एक का जजमेंट सही हो उसको डबल अजर मिलेगा, दूसरे का जजमेंट गलत हो उसको सिंगल अजर मिलेगा, लेकिन एक अजर मिलेगा क्योंकि उसने सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की, वो कोशिश की वजह से उसे एक अजर मिलेगा। तो बाज इज्तिहादी मसायल थे, बाज ऐसी चीजें थी जो मिस रिप्रेजेंटेशन थे। तो हम देखते हैं कि हाँ पर मैं कौन है भाई, आप पर मैं कौन है जो बैठ करके बात करें, अल्लाह ताला ने कहा रुहमाउ बैनहुम, उनका आपस में वो रहम दिल है, आपस में एक दूसरे के साथ रहम करने वाले हैं। और फिर अल्लाह ने कहा तराहुम रुकअन सुज्जदन, आप देखोगे उन्हें रुकू करते हुए सजदा करते हुए, रुकू और सजदा एक्सटर्नल एक्शन है, मतलब बाहरी तौर पर हम करते हैं। फिर अल्लाह ने कहा रुकअन सुज्जदन यबतगून फजल मिनल्लाहि व रिदवान, अल्लाह का फजल तलब करते हुए, अल्लाह की रजा तलब करते हुए, मतलब दिल के अंदर क्या हाल था, अल्लाह का फजल तलब करते थे, अल्लाह की रजा तलब करते हुए, सीमा हम फी वजूहिम मिन अथर सुजूद, उनके चेहरों पे उनके सजदों के निशानात है, हाँ उनके सजदों की वजह से जब सजदा करते हैं ना तो गुरूर और घमंड चेहरे पे नहीं होता है, इनकी सारी हम ह्यूमिलिटी तवाजो हम्बलनेस दिखाई देती है, हाँ
उनके चेहरे पे उनके सजदों का असर दिखाई देता था, सहाबा के चेहरों पर रोशन चेहरे थे उनके, उनके सजदों का असर था उनके चेहरे पर। ज़ालिका मसलहुम फिल तौरात, तौरात में यही उनकी मिसाल है। वो मसलहुम फिल इंजील, इंजील में उनकी मिसाल, तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई, इंजील जो ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई, उसमें उनकी मिसाल ये है। कज़र इन अखरज शतहु, एक ऐसे पौधे की, एक ऐसे बीज की जिसमें से एक पौधा निकलता है। फ़आज़रहु, और फिर वो बड़ा होता है। फस्तगलज़ा, मोटा होता है। फस्तवाला सूखी, अपने अपने तने पे खड़ा होता है। युज़बुज़रा, बोने वालों को ताज्जुब होने लगता है, ये पौधा निकला, मोटा हुआ, बड़ा हुआ, अपने तने पे खड़ा हो गया, वाह माशाल्लाह, मैंने तो सिर्फ बीज डाला था, ये देखो कितना बड़ा पौधा, पौधा बड़ा हो गया, पेड़ बन गया। हाँ, युज़बुज़रा लियगीज़ बिहिमुल कुफार, उनके जरिए कुफार को गुस्सा आता है, सहाबा के जरिए उन कुफार को गुस्सा आता है। इसी आयत को दलील बनाते हुए बाज़ उलमा ने यह कहा कि जो लोगों को सहाबा पर गुस्सा आता है ना, वो कुफार में से हैं। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे, काश के लोगों को समझ में आ जाए ये बात कि इनके बारे में अल्लाह ने कहा कि जो लोगों को इन पे गुस्सा आता है, इनके जरिए गुस्सा आता है, लियगीज़ बिहिमुल कुफार, और फिर अल्लाह ने कहा वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति मिन्हुम मग़फिरतन वअज्रन अज़ीमा, अल्लाह का वादा है उनमें से जो ईमान वाले अमल सही अमल सालेह करने वाले हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए मग़फिरत रखी है और एक अज्र अज़ीम रखा है। तो सहाबा के मुताल्लुक़ से ये आयत, एक और आयत जो हमने देखे, पांच आयतें देखी, बस पांच, समझने वाले के लिए बहुत है, और भी आयतें इसके अलावा। इस आयत से हमें क्या पता चला कि वो लोग आपस में रहम करने वाले हैं, उनके अंदर और बाहर दोनों के ताल्लुक से अल्लाह ने कहा कि वो रुकू और सजदा करते हैं, या तगुन फजल मिनल्लाहि व रिदवाना, हाँ ये चीज जिक्र है। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हाँ, ये पोल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखते हैं आप लोग सही जवाब इसमें भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हाँ, सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि क्या होता है ना, बाज चीजें ऐसी आती हैं सामने और आपके भी सामने कभी आएगी कि इन दोनों में अगर इख्तलाफ हो तो आप क्या मानेंगे, सहाबा की तारीख, तारीख ही ताल्लुक से लोग बात बोलते हैं, तारीख में ये है, तारीख में ये है, या तारीफ जो अल्लाह ने की, अल्लाह ने उनकी जो तारीफ की, आप तारीफ को मानेंगे या वो तारीख को मानेंगे जो बयान की जाती है, जिसके ऑथेंटिक सही होने के ताल्लुक से बात नहीं है। तारीख बाज बयान की जाती है और तारीफ जो अल्लाह ने कुरान में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में बताया, तो आप तारीख मानेंगे या तारीफ मानेंगे, वर्ड्स नोट करिए जरा गौर से, लास्ट में थोड़ा सा फर्क है, तारीख या तारीफ। इंग्लिश में कहेंगे आप ये हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग्स को मानेंगे या जो प्रेज अल्लाह ताला ने उनके तालुक से जिक्र किया है, जो तारीफ जो जिक्र है, आप तारीफ को मानेंगे कि तारीख को मानेंगे, डिसाइड करो और बोलो, तारीख को मानेंगे कि तारीफ को मानेंगे। मैं आपसे चाहता हूं कि क्लियरली आपका स्टैंडर्ड क्लियर हो, तारीख या तारीफ। 3, 2, 1 एंड पोलिंग रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर, और 88-95% लोगों ने जो जवाब दिया है वो जवाब सही जवाब है, जो अल्लाह ने तारीफ उनकी की है, तारीफ हम उसको मानते हैं, तारीफ प्रेज, जो अल्लाह ने उन्हें प्रेज किया है, उनको उनके बारे में कहा है रदियल्लाहु अन्हु व रदवान, हां रुहमाउ बैनहु, अल्लाह ताला ने जो उनकी तारीफ की हम तारीफ को मानते हैं। तारीख है ना, अगर छोड़ना पड़ा ना दो में से एक, तो हम तारीफ जो कुरान और हदीस में उसको नहीं छोड़ेंगे, हमें छोड़ना है तो हम वो तारीख को छोड़ देंगे जो गलत, क्यों, तारीख गलत भी होती है, तारीख के ताल्लुक से तारीख की हिफाजत की गारंटी नहीं, कुरान और हदीस की हिफाजत की गारंटी, तारीख जो हिस्ट्री है ना बहुत सारी कॉनकॉक की गई है, फैब्रिकेट भी की गई है, गलत गलत इंफॉर्मेशन भी हिस्ट्री के अंदर डाली जाती है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, गलत बात भी होती है, अधूरी बात भी होती है, पस मंजर से हटा करके कहीं भी बातें भी होती है, तो तारीख में सब कुछ है, तारीख की हिफाजत की गारंटी नहीं है, लेकिन तारीख जो कुरान हदीस में उसकी गारंटी, तारीख की गारंटी नहीं है जो लोग गढ़ गढ़ के बनाते हैं, और आप जो हिस्टोरिकल बातें तारीखी बातें सुनेंगे ना जो लोग बताते हैं जो अपनी तरफ से, वो तारीख जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख जो है उस साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सीरत में आया ऑथेंटिक सही हदीसों से जो आया वो साबित शुदा है, वो अलग बात है, लेकिन बाकी जो तारीख बयान की जाती है उसकी हिफाजत की गारंटी नहीं है, हिस्ट्री हिस्ट्री की हिफाजत की गारंटी नहीं है, कुरान हदीस की हिफाजत की गारंटी है, सहाबा के अकवाल की भी हिफाजत होती है, क्योंकि कुरान हदीस क्या में से वो भी बात हमें मिलती है। हाँ इंशाल्लाह, ओके, तो सही जवाब इसमें तारीफ है। ओके, सहाबा के मुतालिक चंद हदीस है, मैं सिर्फ 5 मिनट में फिनिश करने की कोशिश करूंगा। तो अच्छा, इससे पहले आप एक बात वो भी नोट करें कि उनका जिक्र तौरात और इंजील में भी आया, यानी क्या मकाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया तौरात और इंजील में, आपको पता है ओल्ड स्क्रिप्चर्स में उनका भी जिक्र आया था, लेकिन सहाबा का भी जिक्र आया है, यानी उनकी दुनिया में आने से पहले उनका जिक्र वो किताबों में आ चुका है। अब देखिए मैं आपको दो ये हदीस बहुत स्ट्रॉन्ग हदीस मौजूद है,
क्योंकि तुम में से कोई अगर उहुद के पहाड़ के बराबर अगर सोना खर्च करे, उहुद का पहाड़ वेरी बिग, बहुत बड़ा, एक साइड पर अगर ड्राइव करे ना गाड़ी में 5 किलोमीटर एक साइड पर, और दूसरी साइड पर ड्राइव करे तो 7 किलोमीटर बड़ा, 7 किलोमीटर बड़ा पहाड़, इतना बड़ा पहाड़, अगर तुम उहुद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च करो, सोना है ना बहुत ही प्रेशियस चीज, बहुत ही कीमती चीज खर्च करो, इतनी क्वांटिटी में खर्च करो पहाड़ के बराबर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा बलगा मुद अहदिहिम वला नसीफा, उनके एक मुद, मुद यानी दो हाथ मिला के एक मुद, इसको बोलते हैं एक मुद, एक मुद जो उन्होंने खर्च किया ना, सोने की बात नहीं हो रही, जो खर्च किया उन्होंने, जो भी खर्च किया उसके बराबर तुम लोग नहीं पहुंच सकते, वला नसीफा आधे मुद के बराबर भी, आधा मुद यानी एक हाथ, एक मुद आधा मुद, एक मुद आधा मुद, तुम आधे मुद के बराबर भी नहीं हो सकते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, देखिए एक पेड़ पौधा है, छोटा सा पौधा है, कोई आके तभी पानी डालता है, हैं, और वो पौधा बन गया बड़ा सा पेड़, फिर कोई आके पानी डालता है, दोनों में बराबर है क्या? दोनों बराबर है क्या? नहीं है बराबर, बराबर है क्या? नहीं है बराबर। तो सही बात क्या है ना, जो दीन के लिए कुर्बानी देते हैं ना, ये पोल नहीं ले रहे हैं, बस आपको बता देते हैं कि जो दीन के लिए कुर्बानी देते हैं ना, हाँ कुर्बानी, कुर्बानी के अंदर ऐसा नहीं कि सेम कुर्बानी है सेम अजर मिलेगा, नहीं, टाइम और सिचुएशन के हिसाब से सेम कुर्बानी का कम और ज्यादा अजर मिलता है, वक्त के एतबार से, हालात के एतबार से, सेम काम का कम अजर भी मिलता है, सेम काम है ना, देखो पानी सेम काम है, हाँ लेकिन फर्क है कि नहीं है, वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, हालात के एतबार हिसाब से फर्क है कि नहीं है। साहबा ने उस वक्त पर सपोर्ट किया जब कोई नहीं था, आप और मैं बाद वाले लोग हैं हम लोग, हाँ ये बात को ख्याल रखें। और अगली चीज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मनसब असहाबी, जो मेरे साहबा को गाली देगा, फालेहि लानतुल्लाहि, उस पर अल्लाह की लानत है, वल मलाइकती, फरिश्तों की लानत है, वल नासी अजमईन, सारे के सारे इंसानों की लानत है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, धोखे में मत पड़ना, बाज लोग हिस्टोरिकल तौर पर बातें करते हैं फिर साहबा पे लानतान स्टार्ट कर देते हैं, साहबा को गलत बुरा बुरा, अरे तुम कौन हो, हुआ यू, आप कौन हो, हम आप और मैं कौन है, वी आर, हम लोग 1400 साल बाद आए हैं, दे आर द बेस्ट फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, हम उनके ऊपर लानतान करें तो हमारे ऊपर लानतान करने वाले हैं कौन, फरिश्ते लानतान हम पे करने लगेंगे अगर हम साहबा पे लानतान करेंगे, साहबा पे टारगेट करेंगे, साहबा को गाली देंगे, फरिश्ते हम पे लानतान करेंगे। आपको मुझे डरना चाहिए इस टॉपिक पर, बिल्कुल डरना चाहिए, कंट्रोल योर टंग्स व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द साहबा, कंट्रोल योर टंग्स, बहुत ख्याल रखें, मतलब इसमें जरा भी बेएहतियाती नहीं होनी चाहिए, कम बोल दो चल जाएगा, व्हाई टू डिस्ट्रॉय आवरसेल्फ्स, फरिश्ते हम पे लानतान करें, हाँ वन नासी अजमईन, सारे लोग हम पे लानत, सबकी लानत हम पर, हमारे लिए हो, हाँ ये कोई अच्छी बात है, आप में से कोई चाहता है, हम में से कोई चाहता है ये, ओके नेक्स्ट। साहब लोग क्या समझते हैं ना, सिर्फ अशराए मुबशर जन्नत जाने वाले, 10 सहाबा जन्नत जाने वाले, हालांकि सही बात क्या है, वो 10 का जिक्र एक हदीस में है, वो 10 का जिक्र एक हदीस में है, तो अशराए मुबशरा 10 जिन्हें खुशखबरी दी गई, लेकिन फैक्ट ये है ना सिर्फ 10 नहीं है, जब अल्लाह ताला ने वो 1500 के बारे में कहा है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, व्हाट डज दिस मीन, क्या मतलब है उसका, हाँ जब अल्लाह ताला ने किबला तब्दीली के ताल्लुक से कहा, यह बहुत मुश्किल था सिवाय उनके लिए जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, हिदायती याफ्ता होने की गवाही अल्लाह ने जब दी, तो क्या बात पता चलती, किबला तब्दीली के टाइम पे जो मौजूद थे, जो मुहाजिर ने हिजरत किए, यब्तगूना फ़ज़लन मिन अल्लाहि व रिदवाना, अल्लाह की रजा तलब करते हुए, जो अंसार ने उनको संभाला उनके ताल्लुक से कहा, तो आप देखिए ये एक हदीस देखिए, इब्न माजा की हदीस है, इन्ना फ़ुक़रा अल मुहाजिरीन यदखुलून अल जन्ना क़ब्ल अग्नियाहिम बिमिक़दारी ख़म्सिन मिन ख़म्सिन मिय्यतिन सनतिन, के गरीब मुहाजिर सहाबी सहाबा अमीर मुहाजिर सहाबा से 500 साल पहले जन्नत जाएंगे, जो गरीब मुहाजिर सहाबा है ना अमीर मुहाजिर सहाबा से 500 साल पहले जन्नत जाएंगे, क्यों, क्योंकि अमीरों को हिसाब देना होता है, जो अमीर होते हैं ना उनको हिसाब देना होगा, तो हिसाब देने में टाइम जाएगा, वो वेट करेंगे 500 साल निकलेंगे उनके ज्यादा, लेकिन गरीब 500 साल पहले जन्नत जाएंगे, लेकिन पॉइंट क्या है मालूम है, पॉइंट ये सब जन्नत जाएंगे, सब मुहाजिर सहाबा जन्नत जाएंगे, तो जो लोग समझते हैं ना सिर्फ 10 जन्नत जाने वाले हैं, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है एक्चुअली, हां सब मुहाजिर सहाबा के बारे में, और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयतुल ईमान हुबुल अंसार, ईमान की निशानी है अंसार से मोहब्बत, व आयतुल निफाक बुग्ज़ुल अंसार, निफाक की निशानी है कि अंसार से बुग्ज़ रखना, अंसार से बुग्ज़ रखना ये निफाक की निशानी है। तो आखिरी बात, लास्ट बात, हम खत्म कर रहे हैं, कुरान में जो दुआ दी गई है ना, हम ये दुआ हमें पढ़ना चाहिए, अल्लाह ताला ने फरमाया रब्बना ग़फ़िर लना, अल्लाह हमें माफ कर दे, वली इख्वानिना लदीना सबकूना बिल ईमान, हमारे भाइयों को भी माफ कर दे जो हमसे पहले ईमान में सबकत कर गए, जो ईमान में हमसे पहले जो गुजरे ना, अल्लाह हमें भी माफ कर, उनको भी माफ कर, वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लदीन आमनू, और हमारे दिलों में जो ईमान वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा भी कीना, दुश्मनी, बुराई हमारे दिल में ना रहे,
उनके लिए हमारे लिए जरा भी दुश्मनी, जरा भी बुराई, जरा भी कीना ना रहे। रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम, ए अल्लाह तू यकीनन माफ करने वाला, शफ़क़त करने वाला, रहम करने वाला है, मेहरबान है। तो मेरे भाई मेरी बहनें, दिल में थोड़ी भी गिल्लल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वालों के लिए बिल्कुल ना हो, बल्कि दुआ करो अपने लिए भी, अपने से पहले वाले जो ईमान के साथ गुजर चुके, वो लोग थे जिन्होंने साथ दिया, आज हम तक बात पहुंची, वो लोगों की कुर्बानियां हैं जिसकी वजह से हम तक पहुंची। हमें उनकी तरफ देखना है, इंस्पिरेशन हासिल करना है, मोटिवेशन हासिल करना है। हम जब इंसानों की तरफ देखते हैं, उनकी स्टोरीज पढ़ते हैं, लगता है वो लोग करें ना, हम भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। हमारे लिए मोटिवेशन है सहाबा। अगर आप सहाबा के ताल्लुक से गलत अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच गए ना, तो आप वो सारे मोटिवेशन से दूर हो गए। हाँ, वो उनका मनहज हमारे लिए मिसाल है, उनकी तरफ देखना, उन्होंने कैसे समझा, यकीनन सही हदीसों से साबित बात होनी चाहिए। सहाबा के ताल्लुक से भी कोई बात हो तो साबित शुदा बात होनी चाहिए, लेकिन सबूत के साथ मिल गई तो वो भी एक दलील है कि सहाबा ने कैसे समझा। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज के इस दर्स में आप सबके सामने कुछ बहुत कीमती बातें आई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों पर गौर करेंगे इंशाल्लाह, सहाबा के मनहज को थामे रहेंगे इंशाल्लाह, सहाबा के मकाम को पहचानेंगे, सहाबा के ताल्लुक से लान तान या गाली या पॉलिटिकल कमेंट्री करने से बचेंगे, और ये सही मनहज पर खुद भी रहेंगे। ये दावत कुरान और सुन्नत अला मनहज सलफ, कुरान और सुन्नत सहाबा और सलफ के फहम के मुताबिक उस पर कायम रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको हिदायत पर रखकर उसी पे खात्मा दे, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो भी सवालात हो इंशाल्लाह अगले हफ्ते वक्त से पहले आए, अपने सवालात पूछ लें, सिर्फ मौजू पर पूछने की कोशिश करें। आप में से जो लोग एग्जाम्स देने में शुरू नहीं किए, जरा कमर कसो, हाँ एग्जाम्स को देते रहो हर हफ्ते, लास्ट के लिए मत छोड़ो इंशाल्लाह, अभी देते रहो, पेंडिंग एग्जाम्स भी खत्म करो, आगे बढ़ो मेरे भाई मेरी बहने, इल्म की तलब अपने अंदर पैदा करो, इल्म का जज्बा पैदा करो, इल्म में इस्तकामत से जमे रहो, क्लास को मिस मत करो। जज़ाकल्लाह खैर, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते 9 to 10:30। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।